वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का जो सेशन है ये मेरा फ्री वेबिनार होता रहता है, मैं करता रहता हूँ फ्री वेबिनार। तो एक और फ्री वेबिनार है और आज का जो फ्री वेबिनार है इसका टॉपिक आपके पास क्या है, स्टॉक जितने भी होते हैं स्टॉक मार्केट को आप इशिमोकु के बेस पर कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे इशिमोकु के बेस पर कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। मार्केट का मतलब कोई भी मार्केट, उसमें कहीं ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इक्विटी जाएगा या फ्यूचर ऑप्शन जाएगा या कॉमोडिटी जाएगा या फॉरेक्स जाएगा, क्या जाएगा। हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर सब कुछ आता है, क्लियर है। तो आज हम बगैर किसी इंडिकेटर के, दूसरे इंडिकेटर के, केवल इशिमोकु पर बात करेंगे और जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर सेगमेंट्स है अलग अलग सेगमेंट पे हम चेक करेंगे कि इशिमोकु कहाँ कहाँ काम कर सकता है। और क्या हमारा एक क्वेश्चन और है छोटा सा कि अगर मैं खाली इशिमोकु बोलता हूं तो क्या इशिमोकु परफेक्ट है ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। तो मतलब क्या है कि क्या इशिमोकु के बेस पर आप अपनी ट्रेडिंग सारी कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं हम इक्विटी से, इक्विटी जाएंगे, फ्यूचर जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन में भी जाएंगे और कॉमोडिटी में भी जाएंगे और फॉरेक्स में भी जाएंगे, देखेंगे इशिमोकु कहां कहां कैसे काम करता है। मैं आपको एक सिंपल सा, जो लोग नए नए, चूंकि मेरी आदत है, मैं मेरी हॉबी है ट्रेडर्स बनाना, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि हर घर के अंदर ट्रेडिंग जाए, हर आदमी ट्रेडिंग करता हो, घर का एक मेंबर। जैसे पंजाब से पहले क्या होता था, पंजाब से हर एक घर में से एक आदमी फौज में होता था। तो मेरा मानना है कि कम से कम एक आदमी, एक पर्सन घर से ट्रेडिंग के अंदर हो, लेकिन वो जुआ ना खेलता हो। समझिए, एक जुए में और एक ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फर्क है। और वो क्या है कि अगर आप जुआ बोलते हो, जुआ कब बोलते हो इसको, गैम्बलिंग कब बोलते हो, अगर आप बिना सोचे समझे करते हो, लेकिन अगर आप सोच समझ के कर रहे हो तो ये गैम्बलिंग नहीं हुई, फिर तो ये सोचा समझा एक तरीका हुआ पैसा कमाने का, राइट। आप पूरे महीने काम करते हो कि आपको तनख्वाह मिलेगी, सोच समझ के करते हो सब कुछ, सोचा समझा होता ना तभी तो काम करते हो। तो आप सोच समझ के ट्रेडिंग करोगे तो उसमें भी पैसा मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। देखिए आपके पास, पहले मैं आपको इशिमोकु समझा देता हूं ये क्या क्या होते हैं, एक बार हल्का सा रिविजन करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बाद में आपको लगेगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, लास्ट में मैं माइक चाहे तो ऑन भी कर लूंगा, आप आराम से पूछ भी पाएंगे मेरे से, ठीक है। चेक कर लेते हैं, मैं आपको पहले समझाना शुरू करता हूं, इसको छोटा छोटा समझना शुरू कीजिए। जो पूरा मार्केट होता है, पूरा ये जो आपका इशिमोकु क्लाउड है, ये आपके पास किस किस पर काम करता है। एक आपको एक क्लाउड दिख रहे हैं, या तो ग्रीन क्लाउड या रेड क्लाउड, दो तरह के क्लाउड पे काम करता है। उसके अलावा आपको तीन लाइन दिख रही है, एक ये रेड लाइन, एक ये ब्लू लाइन और एक ये दिख रही है आपको क्या, ग्रे लाइन। तीन लाइन और दो क्लाउड, इन पर पूरा सिस्टम काम करता है। और हमें एक चीज और पता है कि ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, केवल एक इंडिकेटर है जो कि आपको फोरकास्ट करता है, पहले से बताता है, 26 दिन पहले, 26 घंटे पहले, 26 मिनट पहले आपको बताएगा कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। इसीलिए ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि अपने आप में पूरा परफेक्ट है, इसके अलावा आपको किसी ट्रेडिंग इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैं पूरा ट्रेडिंग इस पर करता हूं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे डायमंड्स हैं, उनको पता है कि मैं तो इंडिकेटर भी यूज नहीं करता, मैं बगैर इंडिकेटर के काम करता हूं, राइट। तो बगैर इंडिकेटर के काम करना भी होता है, तो इसको जरा समझ लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। देखिए आपके पास क्या है, एक ग्रीन क्लाउड है और एक रेड क्लाउड है। पहले इसको समझ लेते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, जा रहा होता है नहीं, जाने वाला होता है, मतलब प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की, जैसे ही मार्केट ऊपर जाने वाला होता है उस टाइम पर ये ग्रीन क्लाउड बनने शुरू हो जाते हैं और ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर देते हैं। जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है, जब भी मार्केट नीचे जाने वाला होता है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपका रेड क्लाउड बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन आपके पास एक रेड क्लाउड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके साथ में आपको दो लाइन दिख रही है यहां पर, एक लाइन है ब्लू लाइन और एक लाइन है आपके पास रेड लाइन। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं कन्वर्जन लाइन। मैं लिख भी देता हूं, अगर आपने इस सिस्टम को नहीं किया हुआ है
तो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, आप केवल इसको नोट करते जाए। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है राइट, ब्लू लाइन को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन लाइन। मैं कैपिटल में लिख देता हूं, कन्वर्जन लाइन इसका नाम देते हैं हम लोग राइट। इस लाइन को मैं हटा देता हूं, ये जो एक्स्ट्रा आ रही है, ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है, रेड वाली लाइन, इसका हम नाम देते हैं बेस लाइन। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ब्लू वाली लाइन, इसका नाम टैंकर से लाइन भी बोलते हैं, और जो रेड वाली लाइन है इसको केजुल से लाइन भी बोलते हैं, लेकिन मेरे डिक्शनरी में यही आते हैं कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, तो मैं इनको यही दे ले, इजी नाम है तो मैं इनको ही नाम देता हूं। इसके अलावा एक और आपके पास ऊपर दिख रही है आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, CHIKOU, चिको स्पैन भी नाम देते हैं, या इसको लैगिंग स्पैन भी नाम देते हैं। इसको चेक कर सकते हैं, इसको चिको स्पैन भी बोलते हैं या इसको लैगिंग स्पैन भी बोलते हैं, दोनों नाम से ये जाने जाते हैं। ये जो आपको ग्रीन क्लाउड दिख रहे हैं, इसमें भी जरा एक दो चीजें समझ लीजिए। ये ग्रीन क्लाउड जो है, इसका ऊपर का पोर्शन, ऊपर के पोर्शन को हम बोलते हैं स्पैन ए, नीचे के पोर्शन को हम बोलते हैं स्पैन बी। चेक कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा, बस एक हल्का सा समझ लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो आप आराम से काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नॉलेज देना मेरा काम है, मैं मेरी आदत है नॉलेज देना, तो मैं नॉलेज देने के लिए तैयार रहता हूँ, नॉलेज में कभी मना नहीं करता, जब मर्जी जितनी मर्जी नॉलेज में से लीजिए, मैं खुश होता हूँ नॉलेज देने में राइट। तो देखिए, मैं आपको पूरा सिस्टम समझा रहा हूँ। ये लोग बोलते हैं पैसे लेके देंगे, क्लास ज्वाइन करके देंगे, मेरी वर्ड कहीं पर भी क्लास ज्वाइन करने का नहीं आएगा, लाइक का नहीं आएगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई वर्ड ऐसा नहीं आएगा। आप आराम से इसको समझे, ये क्लास मैंने आपको अपने पास ज्वाइन कराने के लिए नहीं रखी है, प्लीज इस बात को ध्यान से समझे। ये वेबिनार मैंने आपको केवल अवेयरनेस लाने के लिए किया है, कि आप अवेयर हो सके कि सिस्टम क्या है, ट्रेडिंग कैसे होगी, उसके लिए आप अवेयर हो। आप कोर्स कहीं पर भी करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आप आराम से समझे कि ये होता क्या है। तो चेक करें, ये आपके पास जो ग्रीन क्लाउड बनता है, ये शो करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, इसका ऊपर का पोर्शन स्पैन ए और नीचे का पोर्शन स्पैन बी होता है। अगर रेड क्लाउड है, रेड क्लाउड सपोज ये रेड क्लाउड बना है, इसका नीचे का पोर्शन स्पैन ए होता है और ऊपर का पोर्शन स्पैन बी होता है। इस बात का ध्यान रखिए, उल्टा हो जाता है। तो ग्रीन क्लाउड में स्पैन ए ऊपर, स्पैन बी नीचे, और रेड क्लाउड में स्पैन ए नीचे और स्पैन बी ऊपर। क्लियर है, ये दिखा नहीं रहा है मेरे को अभी, ठीक है। ऊपर का पोर्शन आपके पास यहां पर आएगा, ये वाला पोर्शन होता है स्पैन बी। क्लियर है, अब जरा इसे समझ रहे, सिंपल सा कंसेप्ट हम समझना शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करता है। चेक कीजिए आपके पास कि ये जो लाइंस है, इनको हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा होता नहीं है मगर ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो आपको ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है आपको, इसे ऐसे बोल सकते हैं कि आपका फास्ट मूविंग एवरेज होता है। फास्ट मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, कि जब भी मार्केट छोटा मोटा मूवमेंट करेगा तो आपका जो ब्लू लाइन है मूव करना शुरू हो जाएगी, मतलब छोटे मोटे मार्केट के मूवमेंट पर ये ब्लू लाइन अपने आप मूव करेगी। मार्केट का अगर बड़ा मूवमेंट होगा तो कौन देगा बड़ा मूवमेंट, कौन बताएगा आपको बड़ा मूवमेंट, बताएगा आपको ये रेड लाइन जिसको आप बोलते हैं बेस लाइन। इसका मतलब मार्केट के अंदर अगर बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है या बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये लाइन आपकी फ्लैट हो जाएगी राइट। जो बेस लाइन है ये आपकी फ्लैट हो जाएगी। इस समय देखिए, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में, कौन सा स्टॉक है ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं, SCL टेक की बात कर रहा हूं, तो देखिए क्या मेरे को देखने को मिल रहा है, यहां पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि ये बेसलाइन फ्लैट हो रखी है। क्या मतलब हुआ, इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब क्या, कि मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट नहीं है। दूसरा इसका मतलब होता है कि अगर आपकी बेसलाइन फ्लैट हो गई है तो मार्केट का जो भी हाई बना है मार्केट इससे ऊपर जाने वाला नहीं है। क्लियर है, मेरी शायद बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के, मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा से बोलता हूं। अगर ये बेसलाइन फ्लैट हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला मतलब मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट नहीं है, अभी मार्केट साइडवेज जा सकता है कहीं पर भी। दूसरी बात, मार्केट का जो भी हाई बना है अभी तक, इससे ऊपर मार्केट जाने वाला नहीं है, ये मेरे को शो करेगी मेरी बेसलाइन।
क्लियर है। इसके साथ में अगर आपके पास ये जो आपको स्पैन ए स्पैन बी दिखता है, स्पैन ए और स्पैन बी, क्लाउड का स्पैन ए और स्पैन बी, अगर देखिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनता है, इसको भी समझ ले। ये जो आपकी कन्वर्जन लाइन दिख रही है और ये जो आपको स्पैन ए है, दोनों के दोनों फास्ट मूविंग एवरेज होते हैं, फास्ट मूविंग एवरेज होते हैं, एग्जैक्टली मूविंग एवरेज नहीं होते। ये मैं पहले ही बता दूं, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये इनका कंसेप्ट अलग है सब, लेकिन तो आप समझ सकते हैं क्योंकि किसी से हमें अपनी सिमिलरिटी लगानी पड़ती है, तो इसलिए आप फास्ट मूविंग एवरेज इसको बोल सकते हैं। और ये जो आप बेस लाइन है और जो स्पैन भी है, ये दोनों होते हैं स्लो मूविंग एवरेज, दोनों आपस में रिलेटेड है, तो स्लो मूविंग एवरेज। अब जरा एक छोटा सा कॉम्बिनेशन समझ ले, क्या कॉम्बिनेशन हो गया, बिल्कुल सिंपल सा कॉम्बिनेशन कि अगर आपका बेस लाइन फ्लैट हो गई है और स्पैन बी भी फ्लैट है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर है। मगर कभी अगर ऐसा हुआ कि स्पैन बी ऊपर जा रहा है लेकिन बेस लाइन फ्लैट हो गई, मतलब यहां पर आपके पास कंफ्यूजन है, मार्केट जा भी सकता है ऊपर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ में अगर कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है, एक चीज और समझ ले छोटी सी आपके काम की रहेगी, अगर बेस लाइन फ्लैट है, आपका स्पैन बी भी फ्लैट है, दोनों फ्लैट है, फिर भी आपकी कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है, कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं, आपके काम की बात रहेगी। अगर बेस लाइन फ्लैट है, स्पैन बी फ्लैट है, लेकिन स्पैन ए ऊपर जा रहा है और कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपके पास मार्केट ऊपर जा सकता है, कहां तक, यहां तक। दोबारा से समझे इस चीज को, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे पास ये आपका बेस लाइन फ्लैट है और स्पैन भी फ्लैट है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, हाई से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, राइट, हाई से ऊपर जाने वाला नहीं है। मगर अगर कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है, स्पैन एक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहां से उठ के यहां तक तो मार्केट जा ही सकता है, इसके बीच में कितना भी उड़ जाएगा मार्केट, ये कौन बताएगा मेरे को, मेरा स्पैन ए और कन्वर्जन लाइन, क्लियर है। ये सिंपल सा लॉजिक है, जरा इसको चेक करते रहे। अब हम यहां पर काम शुरू करते हैं अपना, यहां पर हम इसको हटा लेते हैं, अब हम हटा लेते हैं इसको, और इसमें से मैं कन्वर्जन लाइन हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, बेस लाइन हटा दे रहा हूं और मैं इसको चिकन स्पैन भी हटा दिया। अब यहां पर चेक करें, दो तीन चीजें मैं आपको बोल रहा हूं जो कि आपके बहुत काम की हो सकती है, कि हमें आधा इश्यू ये होता है कि हम जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं, एंट्री कहां पर लें, ठीक है, तो एंट्री कहां पर लें, उसमें स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं, कितना उसमें हम कब तक बने रहे, ये सब चीजें हमारे साथ बहुत आती है। अब मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूं कि आपका सबसे पहले पॉइंट कितना है, कि आप कौन से वाले ट्रेडर है, क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि आप कौन से वाले ट्रेडर है। पहला ट्रेडर कौन सा होता है, एग्रेसिव ट्रेडर, मतलब इंट्राडे, पहला आपके पास होता है इंट्राडे ट्रेडर, मतलब कुछ पॉइंट आपको लेने, 10-20-50 पॉइंट लेने निकल जाने, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 100-200 पॉइंट लेने निकल जाने, स्टॉक की बात लेनी है तो 3-4-10 पॉइंट लेने निकल जाना। दूसरा आपके पास ट्रेडर होता है जो कि कम से कम वीकली करता है, वीकली का मतलब एक हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए स्टॉक को रखा और तब उसे निकाल दिया। एक तीसरा भी ट्रेडर होता है जो कि आपका ईयरली रखता है, ईयरली रखने का मतलब उसके पास स्टॉक पड़े रहते हैं, कई कई साल पड़े रहते हैं, जब तक सही से स्टॉक नहीं निकलते तो वो निकालता नहीं है। तो अब यहां पर केस क्या आ जाता है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं तो आप टाइम फ्रेम रखेंगे 1 आवर और डे का, 1 आवर और डे इंट्राडे के लिए। अगर आप वीकली करते हैं, 4-5 दिन, 1-2 दिन ऐसे रखते हैं आप, तो आप उस केस में आपका टाइम फ्रेम रहेगा डे का, क्लियर है। और अगर आप ईयरली करते हैं तो आपका टाइम फ्रेम रहेगा वीक का, मतलब आपका एनालिसिस वीक में होगा। अगर आप 6-7 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो डे में भी कर सकते हैं, 1 घंटे में भी होता है, लेकिन डे में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इंट्राडे के लिए, इंट्राडे के लिए आप यूज कर सकते हैं 1 घंटा और 1 दिन। अब केस क्या है, अब जरा केस समझिए छोटा सा। यहां पर अगर मैं डे में बात करता, देखिए अगर मैं डे में बात करता तो मेरे को क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता है और आप कैसे काम करें। अगर आप एक बड़े ट्रेडर है तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास तरीका क्या होता है कि ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है,
ये जो क्लाउड दिख रहा है, क्लाउड से ऊपर अगर मार्केट है तो ये हमेशा बाय का मार्केट होगा, और क्लाउड से नीचे अगर मार्केट है तो ये सेल का मार्केट होगा। मतलब अगर क्लाउड से नीचे मार्केट चल रहा है तो आप बाय नहीं करेंगे, और क्लाउड से अगर ऊपर मार्केट चल रहा है तो मैं सेल नहीं करूंगा। सिंपल लॉजिक। अब जरा चेक करते हैं हम इसको कि अगर मार्केट ऊपर पहुंचा, सपोज ये मार्केट ऊपर पहुंचा, ऊपर था, मैंने यहां कहीं से बाय किया, सपोज यहां कहीं से बाय किया, तो मेरा स्टॉप लॉस होना कितना चाहिए? क्वेश्चन अभी आता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होना चाहिए? अगर आप करते हैं सीएनसी तो आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 30 से 40 पॉइंट का एसएल रखेंगे आप। क्लियर है? अगर आप इंट्राडे करते हैं, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये आपका सिंपल सा लॉजिक है। अब हम उस लॉजिक को कैसे अपने यहां पर अप्लाई करेंगे? आप क्या करें, आपको पता लगा वन डे पर, ध्यान से सुनते रहे, आपको पता लगा वन डे पर मार्केट जो है वो ऊपर निकल गया, क्लाउड से ऊपर निकल चुका है यहां पर मार्केट। अब आपने क्या किया, यहां पर बाय कर लिया, ऊपर कहीं पर भी किसी जगह पर भी। अब मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कब बाय करना है आपको, ठीक है? आपने यहां पर बाय कर लिया और बाय करके अपना 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। मैं देखता हूं यहां पर कितने पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है। यहां से अगर मैं बाय करता हूं 972 से, तो अराउंड ये आपके पास यहां पर 30.72 का मतलब 40 पे आ गया। यहां कहीं पर स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा 30 पॉइंट का, और देखेंगे आप कटे कटा नहीं है। अब अगर आपके पास क्या होगा, मार्केट को आराम से चलने दे ऊपर, और कब तक चलने देंगे, ध्यान से चेक करिए, स्टॉप लॉस आपका लग गया नीचे, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं, एसएल लग गया आपका नीचे और रखे रह दीजिए इसको। और आप चूंकि डे में काम कर रहे हैं तो मतलब कुछ महीने आप रखने वाले स्टॉक को। अब मार्केट में आप तब तक बाहर नहीं आएंगे, ध्यान दीजिए, आप मार्केट में तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक आपका मार्केट जो है दो दो चीजें ना कर दे, या तो क्लाउड को टच करने ना आ जाए और या क्लाउड से बाहर ना आ जाए। दो चीजें आप यहां पर कर सकते हैं, तीसरा तरीका भी है, मगर फिलहाल क्लियर दो आप कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप यहां पर छोड़ भी देते हैं इसको, यहां चेक कीजिए 987, 990 पे लगा लेता हूं मैं, 990 पे अगर आप बाय करते तो अगर आप यहां पर भी आप बाहर निकल पाए तो आप 1144 पर बाहर निकलते हैं यहां पर। क्लियर है? और यहां पर अगर बाहर निकलते तो 1100 200 पे, 1101 पे आप बाहर निकलते हैं यहां पर, ठीक है? तो ये सिंपल सा एक तरीका है। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इसी चीज को आप लेके जा सकते हैं वन आवर पर, चेक कर लीजिए। अगर मैं यहां पर सेलिंग करता हूं, चलिए बाइंग की बात करते हैं, पहले बाइंग की बात करते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये बाय, कोई सा भी बाय आप पकड़ लें, कोई सा भी, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा लॉजिक पे मत जाए, ठीक है? मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाए, जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे मार्केट को उतना दिक्कत आपको होने वाली है। जैसे ही मार्केट बाहर निकलता है यहां से, और भी कुछ कंडीशंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही मार्केट बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही आपने यहां पर एक बाय किया और अपना एसएल लगा दिया क्लाउड से ठीक नीचे, क्लाउड से नीचे रखिएगा तो 30 पॉइंट का मैं बोल रहा हूं आपको, 30 पॉइंट का एसएल यहां पर रखिएगा, ठीक है? यहां पर क्या हुआ, यहां पर जैसे ही हुआ तब तक आप बाहर नहीं आएंगे जब तक ये क्लाउड से नीचे ना आ जाए, हो सकता है तभी आ जाए आपको लॉस दे जाए, हो सकता है, लेकिन ये 10 में से मुश्किल से एक बार होगा। यहां से आप ले इसको और चलने दे ऊपर, आराम से मूव करने दे, करने दे करने दे, जब तक बाहर ना आ जाए। ये आ गया ना बाहर, आ गया बाहर, मैंने मान लिया मेरा एसएल हिट हो गया, चला गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया, पर कितने पॉइंट, यहां से 914 से और आपका 940, तब भी तो मेरे को प्रॉफिट ही देके गया। और देखते कहीं पर भी रैंडम कहीं पर भी उठा लीजिए, मैं आपको यहां पर कोई भी जगह उठा के दे देता हूं, ये देखिए, चेक कीजिए, जैसे ही मार्केट बाहर निकलता है आपको नीचे एक एसएल रखना है यहां पर, और मार्केट को चलने दीजिए आराम से, चलने दीजिए। ये देखिए यहां पर मार्केट बाहर आ रहा है, आपको अच्छे खासे पॉइंट देखिए यहां पर जाएगा, यहां से देखिए 565 से, और मार्केट आपको यहां पर देगा 670 690, इतने पॉइंट आपको देखे जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर आप एक काम और चेक करें, ये छोटी सी पॉइंट है जिनको आप लेके अपने साथ में चल सकते हैं, तो आप चाहे तो 1 घंटे का करते हैं तो 4-5 दिन के लिए, आप देखिए कितने दिन के लिए था ये ट्रेड, यहां से शुरू कीजिए 7-2 से, और ये ट्रेड खत्म हुआ है आपके पास 11-8 पे, चेक कर रहे हैं पर 2-7 से और आपके पास 11-8, लगभग 1 महीने के आसपास चला ये आपके पास ट्रेड, और आराम से आप इसको लेके चले गए और आपको पैसा भी अच्छा खासा देके चला गया।
अब यहाँ पर एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं आप अगर चाहो तो, बहुत सारे काम है, आप छोटा सा काम एक और भी कर सकते हो इसी जगह पर कि आप यहाँ पर अपनी जो बेस लाइन है इसे एक्टिवेट कर लो। ये देखिए बेस लाइन, यहां से सुनते रहे, बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीके पे आप चले जाए। अब देखिए बेस लाइन अपनी एक्टिवेट कर ले, बेस लाइन का मतलब क्या है, ये देखिए बेस लाइन मैंने एक्टिवेट कर ली और ये अब आपकी हो गई है, देखिए ब्लैक वाली बेस लाइन हो गई। जैसे ही आपका मार्केट बेस लाइन के ऊपर जाता है और क्लाउड से ऊपर निकले, ये आपका एक बाय बनता है। ध्यान से सुने, आपके पास बेस लाइन के ऊपर गया, मार्केट क्लाउड से ऊपर गया, ये आपका बाय बनता है। आप चाहो तो इसमें मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो अगर आपको लगता है जरूरत पड़ती है तो, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होती, लेकिन आप अगर चाहो तो एक अच्छा सेटअप आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है जरा इसको चेक करें, मार्केट ने यहां पर क्या किया, इस जगह पर जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया, ध्यान से चेक करें, अब आपका एसएल कहां पर चलेगा, एसएल कहां पर चलेगा, ये देखिए मार्केट जैसे ही इसके ऊपर गया अपनी बेस लाइन के ऊपर, 50 के मूविंग एवरेज से ऊपर निकला, क्लाउड से ऊपर निकला, पूरी बाय है और तब तक बाय है जब तक 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए। चेक कर लीजिए कब नीचे आया, आप अपने आप देखिए कि कब नीचे आया मार्केट, आपका मार्केट यहां नीचे आया, तो ये पूरे पॉइंट आपके है, क्लियर है। राइट में इस समय करंटली क्या कर रहा है मार्केट, जरा इसको चेक करें यहां पर, ठीक है, क्या कर रहा है मार्केट इस समय, देखिए अगर आपको सेलिंग करनी थी सेम सिस्टम था, सेलिंग के लिए भी इसी मेथड को यूज कर सकते थे आप। जैसे ही मार्केट अपनी बेस लाइन के नीचे आता है और अपने 50 के मूविंग एवरेज के नीचे आता, आपने सेल डाली और सेल ही चल रही है, देखिए अभी कटा नहीं है आपका एसएल, राइट, ये मेथड आप लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज, ये आपके पास अलग अलग मेथड है, बहुत सारे मेथड है और भी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर, आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो एक तरीका और भी है, किसी भी तरीके से आप चले जाए वो सारे तरीके आपके पास वैलिड है। इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम, इसके साथ में आप अपना सीपीआर यूज कर सकते हैं, अगर आपने कभी यूज किया है तो, सेंट्रल पिवोट रेंज, ये देख रहे पिवोट पॉइंट की तरह ही होते हैं, सेंट्रल पिवोट रेंज को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट इसके ऊपर स्टैंड करता है, क्लाउड के ऊपर स्टैंड करता है और सीपीआर के ऊपर स्टैंड करता है, ये आपकी बाय पोजीशन क्रिएट करता है। आप ऐसे भी करके इसमें जा सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कि आप जैसे मर्जी ट्रेड इसके अंदर कर लें। अब चलते हैं हम इसी को, अगर मैं जो मेथड मैंने आपको अभी लगा के दिखाया, ठीक है, जो मैंने मूविंग एवरेज के साथ में लगा के दिखाया और या फिर मैंने आपको बेस लाइन के साथ में लगा के दिखाया, तो क्या ये किसी और करेंसी पेयर में या किसी और जगह पर भी काम करता है, मैं देख लेता हूं इसको, क्या मेरा काम करता है या नहीं करता। अब चलिए इसी सेटअप को मैं उठा के ले जाता हूं किसी फ्यूचर पर, चलिए करते हैं, और मैंने बोला निफ्टी फ्यूचर पे चलते हैं, इस पर देखते हैं निफ्टी फ्यूचर में क्या ये सेटअप काम करता है, देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर पीछे से रैंडम उठा ले कहीं पर भी, ठीक है, पीछे से कहीं पर भी, ये देखिए यहां पर रैंडम उठा लेते हैं, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलता है तो आपको एक पाय देके जाता है, ये किसी भी छोटे बड़े टाइम फ्रेम में आप इसको यूज करके देख सकते हैं। ये देखिए सेलिंग कब मिल रही है, परफेक्ट सेटअप आपको देखने को मिलता है, मार्केट जब कभी भी क्लाउड से बाहर निकलता है, अपनी बेस लाइन से बाहर आता है, 50 के मूविंग एवरेज से नीचे आया, तो आपका ये पूरा सेलिंग बनती है, ये पूरा सेलिंग एरिया आपका बनता है। ये देखिए कहां कटा है आपके पास, यहां कटता है, तो ये सिस्टम आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, आपको पहले से पता है कि मेरा सेलिंग आने वाली है। किसी को अगर मैं किसी कॉमोडिटी में लेके जाता हूं, देखिए सिल्वर में लेके जाते हैं, कॉमोडिटी में लेके चलते हैं, क्या कॉमोडिटी इस समय क्या कर रही है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं, यस कॉमोडिटी क्या करने वाली है इस समय जरा चेक करें। वन डे पर अगर मैं चेक करता हूं इस समय, तो देखिए मार्केट अपनी बेस लाइन के ऊपर है, ध्यान से सुने, सिल्वर में एक बहुत अच्छी बाय आने वाली है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल या परसों में इसकी अच्छी बाय आ सकती है, एक बहुत प्यारी बाय देखने को मिल सकती है। तो देखिए आपकी बेस लाइन के मार्केट ऊपर है, 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है और क्लाउड से बाहर निकलने के लिए रेडी है, क्लाउड भी ग्रीन बना हुआ है, देखिए ये इसका मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो एक बहुत प्यारी बाय देके जाएगा, क्योंकि इसने एन वेव बनाई है इसको। अगर आप जो लोग सिल्वर में काम करते हैं तो उनको जरा एक चीज समझ ले, बहुत अच्छे से बताता हूं आपको, वो मार्केट में इस समय सपोर्ट कौन से है, मार्केट का पहला सपोर्ट जब मार्केट ऊपर गया तो सबसे पहला सपोर्ट था ये वाला एन वेव का, अगर आपको ध्यान है तो ये सबसे पहला एन वेव का सपोर्ट था और वो रेजिस्टेंस इस समय बन रखा है। इसके नीचे चूंकि मार्केट आ चुका है
तो अब मार्केट किस सपोर्ट पे काम कर रहा है, इस वाले सपोर्ट पर चेक करें, मार्केट किस वाले सपोर्ट पर इस समय बैठा हुआ है। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट से यहां निकलता है मार्केट, तो अपनी एन वेव कंप्लीट करता है और इसके बाद मार्केट एक बहुत अच्छा ऊपर जंप ले सकता है। तो मैं वेट कर रहा हूं मार्केट की कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए और एक बहुत प्यारा जंप ऊपर की तरफ दे दे, कम से कम 5000 पॉइंट का जंप इसको लेना है। तो और आप चेक करें कि आपके पास एक यहां पर एक बाय सिग्नल बनता है। इसको भी आप अगर आप ट्रेड करना चाहें तो एक काम करें छोटा सा, वो आपके पास हित में रहेगा आपके, और वो क्या करें कि आपके पास इसका एक ऑर्डर है, और ऑर्डर क्या होना चाहिए बाय का, इसका भी एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर क्या है, सबसे ऊपर होनी चाहिए कैंडल, ध्यान से सुने, दूसरे नंबर पर आपके पास क्या होनी चाहिए बेस लाइन, तीसरे नंबर पर होनी चाहिए आपके पास 50 का मूविंग एवरेज। जरा ध्यान से समझे मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ये गलती है, अभी ये ट्रेड बना नहीं है, अभी ये ट्रेड बनने की तैयारी कर रहा है, ट्रेड अभी बना नहीं है, राइट। क्या मतलब, जैसे ही ये जो आपको दिख रहा है बेस लाइन, ये अभी इसको ऊपर क्रॉस करेगी, 50 के मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करेगी तब, और ये बाहर निकलता है तो मेरा एक ट्रेड बनता है, उससे पहले मेरा कोई ट्रेड नहीं है, ध्यान रखिए। उससे पहले अगर ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस हो सकता है, कई लोगों को यहां पर लॉस हुआ होगा क्योंकि मार्केट नीचे आया, तो जिसने फॉरेक्स में काम किया होगा या फिर जो कम्युनिटी में काम करता है उसमें उसको इश्यू आया होगा यहाँ पर, राइट। तो ये परफेक्ट सेटअप अभी नहीं बना है, बनने वाला है सेटअप, एक दो दिन में बन जाएगा तो आपको एक बाय मिल जाएगी। अगर इसी की जगह पर मैं बात करता हूं किसी नेचुरल गैस की, देखते हैं नेचुरल गैस क्या कर रहा है। अगर मैं इसी को नेचुरल गैस पे लगा के देखता हूं तो देखते हैं नेचुरल गैस यहां पर क्या करता है, और मैं इसको 1 आवर में लगा लेता हूं क्योंकि फ्यूचर है, राइट। देखिए आपके पास एक अच्छा खासा डाउन दे रहा है और एक अच्छे खासे सेटअप के साथ में, क्लियर है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अगर मैं इसी को ही किसी करेंसी पेयर पर लगा देता हूं, यूएसडी INR पे चलते हैं, और मैं यहां पर इसको लगा के देखता हूं, ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पर, आप देखिए आपको एक सेटअप मिलते हैं या नहीं मिलते। यहां पर सेलिंग का सेटअप देखें, एक परफेक्ट सेटअप आपको यहां पर देखने को मिला था जो कि सेलिंग के लिए आया था, और यहां पर एक परफेक्ट सेटअप आपको कुछ पॉइंट्स के लिए मिला था जो कि आपका बाय का सेटअप था। इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते थे, ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम में कब आपको एक बहुत प्यारा सेटअप मिला, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, जैसे ही इस पे क्रॉस ओवर किया और अभी ये वापस सपोर्ट लेने के लिए आया और ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आने वाला, ये ऊपर जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत अच्छा है ये, राइट। तो अभी ये बाय में जाने वाला है। अब जरा छोटी सी एक दो पार्ट और समझ लेते हैं, आपके काम के रहेंगे। मैं दोबारा से इसको समझाता हूं आपके पास, जिस जिसने किया हुआ है इशू को उसके लिए बहुत अच्छा सेशन रहेगा ये, ठीक है, जिसने नहीं किया है तो उसके लिए भी एक अच्छा सेशन रह सकता है। अब जरा यहां पर छोटा सा पार्ट समझे कि मार्केट के अंदर जब बाय आती है, मार्केट के अंदर जब बाय आती है तो चार तरीके से बाय आती है, इशिमोकू के अंदर चार तरीके से बाय आती है। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका आपके पास मिलता है, मैं एक मिनट देख लेता हूं, यहां से शुरू करते हैं, चलिए, ठीक है। पहला तरीका आपको बाय का कब मिलता है इशिमोकू के अंदर, जब मार्केट क्लाउड से बाहर निकलता है, ये आपकी होती है पहली बाय। जब मार्केट यहां से बाहर निकलेगा तो आपको होगी पहली बाय, क्लियर है। अब ये चेक करेंगे कि पहली बाय कैसे ली जाती है, उसके आपका रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन आपकी पहली बाय मिलती है यहां पर। दूसरी बाय कब मिलती है, जब मार्केट ऊपर होता है कहीं पर, क्लाउड से दूर होता है तब दूसरी बाय मिलती है। तीसरी बाय कब मिलती है, जब मार्केट क्लाउड पर आता है तो ये तीसरी बाय मिलती है। चौथी बाय कब मिलती है, जब मार्केट नीचे होता है, क्लाउड से नीचे होता है। ये सबसे रिस्की बाय होती है लेकिन बहुत अच्छी बाय देखने को मिलती है, और इनमें से सबसे अच्छी बाय कौन सी होगी, सेफ बाय और सबसे अच्छी बाय एक नंबर की, इसलिए हम एक नंबर की बाय को प्रीफर करते हैं कि यहां पर आप एक अच्छी बाय लेके जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए एक आपका सन फॉर्म है, देखो ध्यान आ रहा है कि सन फॉर्म एक बाय में आने वाला है, और जरा इसको आप मंथ में चेक करें, और मंथ में मार्केट कर क्या रहा है जरा इसको भी चेक कर ले, ये देखिए यहां पर जरा चेक करें, सन फॉर्म एक बाय में जाने वाला है और अभी कर क्या रहा है, ये कई सारी बातें अभी आपकी समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो सन बॉम्ब एक हल्का सा डाउन मारेगा और उस डाउन पर आप अगर इसको बाय कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक जोन पे सपोर्ट मिलेगा, और वो कौन सी जगह है जरा इसको समझे, जिन लोगों ने एनवेव का कंसेप्ट करा हुआ है कभी पहले तो जरा समझिए एनवेव आपके पास कैसे काम करती है, जरा इसको समझ ले। यहां पर जो आपकी एनवेव चलती है कैसे चलती है, एक बार ऊपर
एक बार नीचे, मार्केट ऐसे ही चलता है ऊपर, समझिए मार्केट ऐसे चलता है, मार्केट का चलने का तरीका ये होता है, ऊपर मार्केट साइडवेज में चला जाता है ऐसे करके, और जब नीचे आता है मार्केट तो फिर ऐसे नीचे चलना शुरू होता है, मार्केट की चाल ही यही होती है, क्लियर है। अब आपकी बाय कब होती है, देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे गया ऊपर आया, तो मार्केट ने एक एन वेव बनाई है, ये एन वेव आपका बाय कब होता है, मार्केट जब अपने हाई को ब्रेक करता है तो अपना बाय लेता है। अब दोबारा सपोर्ट लेने कब आएगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा यहां तक, यहां पर सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा और फिर ये बाय बनाएगा। इसका मतलब सिंपल सा एक लॉजिक है कि मार्केट अगर ऐसे एनवे बनाता है तो इसका मतलब क्या होता है, जरा समझ ले, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और बी पॉइंट पर गया है, अगर मार्केट ए पॉइंट इसकी डेडलाइन हो गई, ये ए पॉइंट जो है इसकी डेडलाइन हो गई, अगर मार्केट इससे नीचे नहीं गिरा तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है, मार्केट बाय का मार्केट है, और जैसे ही ये ऊपर चलेगा इस हाई को ब्रेक करता है तो अपना बाय इनिशिएट करेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर ही यहां पर क्या हुआ होगा, क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही भी है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्या जाता है, राइट। और इसको देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट यहां से चला, देखिए कोई सी भी जगह पकड़ ले, मैं इसको डे में दिखा देता हूं, कौन सी मैंने कौन सा स्टॉक ले रखा है, सनफार्म, और इसको मैं डे में लगा देता हूं, जरा आप चेक करने की कोशिश करें मार्केट कर क्या रहा, मैं यहीं से चलता हूं, चलिए यहीं से पकड़ लिया, राइट। मार्केट यहां से ऊपर चला, कंसेप्ट समझिए, जरा कंसेप्ट समझेंगे तो आपको फायदा होगा, और मार्केट कैसे कैसे अपना सपोर्ट लेने आता है जरा उसको भी समझ ले, मैं यहां से बताता हूं, चलिए ये राइट जगह, ठीक है, यही सब करते हैं। मार्केट देखिए ऊपर गया, ध्यान से सुनते रहे, मार्केट ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, क्या हुआ, हाई कौन सा बनाया मार्केट ने, ये बनाया, क्लियर है, ये हाई, मार्केट नीचे आने के बाद उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, देखिए ऊपर चला गया, इसने हाई बनाया ये वाला, फिर मार्केट नीचे आ गया, अब हाई कौन सा बना, ये वाला, ये बना, मतलब मार्केट इसके ऊपर कभी भी यहां पर सपोर्ट ले सकता है किसी भी टाइप पर आके, और मार्केट ने क्या किया, यहां पर रुका रहा, फिर मार्केट ने यहां से भी ऊपर, देखिए ब्रेक करके यहां से भी ऊपर गया, अब कहां पर सपोर्ट ले रहा है जरा बताए, मार्केट ये पर दिख रहे, चेक करें हाई के ऊपर सपोर्ट लेगा मार्केट, सनफॉर्म है सपोर्ट लेके बैठा है, अब जरा इसको चेक करके बताएं मार्केट यहां पर, देखिए ये पॉइंट पर मैं मार्क करके दिखा देता हूं, शायद ज्यादा अच्छा होगा मार्किंग में, मैं मार्क करके दिखाता हूं, तो कहां पर सपोर्ट है, आपका सपोर्ट बनेगा यहां पर, ये आपका सपोर्ट, मार्केट कहां रुका, देखिए वहां पर आके रुक गया, ये रहा मार्केट रुका हुआ, फिर मार्केट इसको हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा ये हाई, ये आपकी बाय है, समझे, ये आपकी बाय मिलेगी आपको। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट देखिए क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चला, मार्केट ने हाई बनाया, ये डाउन बनाया, मतलब मेरा जो सपोर्ट है एरिया है वो ये रहा है, अब की बार मेरा सपोर्ट एरिया ये रहा है, मतलब मार्केट अगर सन फॉर्म का मार्केट इसके ऊपर अब चलता है बाय में, तो मेरा मार्केट बाय में चला जाएगा, राइट, क्योंकि सपोर्ट एरिया एन वेव का सपोर्ट है और यहां से मार्केट ऊपर आराम से जा सकता है। तो जरा वापस चलते हैं, ठीक है, और देखने की कोशिश करते हैं, ये मैंने आपको एन वेव समझाई है, ठीक है, एन वेव का एक कंसेप्ट और भी समझा देता हूं आपको, आपके शायद काम में आ जाए, कि मार्केट जब ऊपर चलता है तो कैसे चलता है, यहां पर जिसने मार्केट के अंदर काम किया हुआ है तो उसे पता होगा कि अगर मार्केट ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चलता है और वापस रिट्रेस करता है, तो ये कितने पॉइंट तक कर सकता है रिट्रेस, या तो 50 या 61 या 78, तीन पॉइंट तक रिट्रेस कर सकता है मार्केट बस, अगर 78 से नीचे गिर गया तो बियरिश मार्केट हो जाएगा, फिर ये बाय का मार्केट नहीं रहेगा, तो इससे कहीं पर भी इसके आसपास उड़ जाना चाहिए मार्केट ऊपर। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, देखिए इसने ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब अपने 61% पर या 50% पर या 78% पर मार्केट उड़ जाएगा, लेकिन किसी टाइम अगर मार्केट नीचे आया और फिर ऊपर नहीं गया, किसी टाइम मार्केट नीचे आया और ऊपर नहीं गया और वापस नीचे आता रहा और इस लो के पास में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एन वेव बनाना इसने बंद कर दिया, इसका बुलिश जो पैटर्न था वो बंद हो गया, इसके नीचे इसकी सेलिंग आएगी, राइट, चेक कर लिया, मैं आपको बना के दिखा देता हूं यहां पर दोबारा से, मार्केट देखिए ऊपर चला नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे चलता रहा, मतलब बुलिश है मार्केट, क्योंकि अपने लो को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया
कि मार्केट को अब यहां से ऊपर जाना था, मगर मार्केट नहीं गया। रूल के मुताबिक तो इससे नीचे नहीं आना था मार्केट को, इससे ऊपर चले जाना था, मगर क्या हुआ, मार्केट इससे नीचे चलना शुरू हो गया और इसके यहां पर आ गया। मार्केट का लास्ट टू लास्ट सपोर्ट कौन सा है, ये बुलिश के लिए। अगर इसको ब्रेक कर जाता है जो लास्ट लो बना है, तो अब मार्केट बेयरिश हो जाएगा। तो मार्केट जैसे ही इसके नीचे चलता है आपकी सेल लगती है, और उसके बाद मार्केट एक बार हाई मतलब इसको ब्रेक नहीं करता और ये लो बनाना शुरू कर देता है, तो मार्केट एक लो जोन में आ जाता है और एक सेलिंग जोन बना देता है। मार्केट अक्सर यही करता है, आप कहीं पर भी इसको चेक कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इस समय आपका लो कौन सा बना है जरा बता दें। अगर मैं इस जोन की बात करता हूं अभी तक की और डे की बात करता हूं, तो मेरा जोन बना है ये वाला लो जोन जो है। मैं हाई जोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लो जोन की बात कर रहा हूं। तो लो जोन बना है ये वाला, इसका मतलब मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर मार्केट अब इसके नीचे गिरना शुरू हो गया, तो मार्केट एक लंबा डाउन ले लेगा, सनफार्म एक लंबा डाउन ले सकता है। हालांकि है नहीं अभी, अभी बाइंग जोन ही है, नहीं आएगी सेलिंग इसकी, इसलिए आप तसल्ली रखें इसको, और मार्केट इसके ऊपर जाके आपको एक बड़ा लंबा बाय देगा। अब जरा थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, इसमें ही आपके काम की रहेगी। ठीक, जरा हम इशिमोकु को एक अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जरा एक बार और अच्छी तरह से। इतनी देर से हम समझ ही रहे हैं, और मैं और समझाने की आपको कोशिश करता हूं यहां पर, ठीक है। और कोई अच्छी जगह ले लेता हूं मैं समझाने के लिए, जहां पर मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। जगह ढूंढ लेते हैं, कोई अच्छी सी मिल रही होगी तो चलिए इसको ले लेते हैं यहां पर। और कोई अच्छी जगह, और कोई स्टॉक ले लेते हैं, सपोज इनफी ले लेते हैं, जो अच्छा ऊपर जा रहा हो उस पर चलते हैं, राइट। और देखता हूं इसमें कोई अच्छे मिल जाएगा तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। चलिए इसको ही ले लेते हैं। आप जरा समझिए मार्केट कैसे काम करता है, जरा मार्केट को समझिए। मैं इस समय चीपो स्पेन को हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और मैं आपको कौन सी वाली बाय बता रहा हूं। पहले नंबर की बाय थी यहां वाली, दूसरे नंबर की बाय थी जो ऊपर आती थी, तीसरे नंबर की बाय क्लाउड पर, और चौथे नंबर की बाय नीचे। जबकि नीचे सब लोग मना करते हैं कि बाय नहीं लेनी, मत लीजिए, लेकिन मैं आपको बाय लेने का तरीका बता रहा हूं, आप आराम से वहां पर बाय लेके जा सकते हैं। क्लियर है, जरा चेक करें। मार्केट जब क्लाउड से नीचे गिरता है तो आपके पास कुछ सिस्टम होने चाहिए बाय के और सेल के। अगर वो आपके सिस्टम फुलफिल होते हैं तभी आप बाय करें या सेल करें। मेरा सिस्टम क्या होना चाहिए जरा इसको चेक कर लें। जब मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका क्लाउड रेड होना चाहिए, नंबर एक। क्लियर है। दूसरी बात, आपके पास जो बेस लाइन है वो सेकंड नंबर पर होनी चाहिए, थर्ड नंबर पर आपकी कन्वर्जन लाइन होनी चाहिए, राइट। फोर्थ नंबर पर आपकी कैंडल होनी चाहिए, और फिफ्थ नंबर पर आपकी चिको स्पैन होनी चाहिए, ठीक है। चिको आपके पास कहां पर होनी चाहिए, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पर। दोबारा बता देता हूं मैं, यहां पर जब आप सेलिंग करेंगे तो सेल का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल के केस में आपको क्या करना चाहिए, नंबर वन पर आपके पास क्लाउड रेड हो, मतलब अगर आप इनमें से एक भी पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिल रही है तो आप सेलिंग नहीं करेंगे, सिंपल। और ये सब सिस्टम आपको मिल जाता है, आप सेलिंग करके तसल्ली से बैठ सकते हैं, राइट। और इसमें हम ये भी चेक कर रहे हैं कि कब सेलिंग आएगी, किस टाइम सेलिंग आएगी, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चल रहे उसी पर भी रिसर्च चल रही है कि किस टाइम आपकी बाइंग सेलिंग बहुत प्यारी आपको देखने को मिलेगी। किस टाइम का मतलब, आप क्या आज देख के बता देंगे कि परसों कब आएगी सेलिंग, कितने बजे आएगी, उस पर थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ लोग रिसर्च के लिए जुड़ते हैं, रिसर्च करते हैं हम लोग बैठ के, नई नई चीजें करते हैं। पूरा ग्रुप है हमारे पास, पूरे ग्रुप में आप इसको चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप अगर यहाँ होगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, राइट। मेरे यहाँ पर इस समय शायद नहीं लगाइए, ये है शायद व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास। लोग अपने अपने एनालिसिस करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, लोग एनालिसिस करते हैं अपने अपने मेरे पास और काम करके जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उनमें से कुछ लोग मेरे पास यहाँ वेबिनार में भी आए हुए हैं, वेबिनार में भी है कई सारे लोग, आराम से लोग काम करते हैं और अपना पैसा भी कमाते हैं, ठीक है, पैसा भी कमाते हैं और अपने काम भी करते हैं सारे का सारा। मैं दिखा देता हूँ एक मिनट आपको, अपना ग्रुप के साथ में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ मैं।
जस्ट अ मिनट, ये पूरा हम लोग का ग्रुप रहता है, ठीक है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा पूरा ग्रुप है, इसमें सब लोग आते हैं, सब लोग हम अपने एनालिसिस करते हैं, देखिए हमारा कोई बायसल नहीं रहता, सब जगह से लोग मेरे पास है, देखिए सब जगह से लोग मेरे पास यहाँ पर रहते हैं, आप चेक कर सकते हैं, सब जगह से इतने सारे लोग, ये सब ट्रेड वाले ही है, सब ट्रेडिंग करते हैं, देखिए मेरे साथ ये सब ट्रेडिंग करते हैं, मैं अपने ग्रुप से ही प्रोडक्शन कराता हूँ मगर आपको, ये मेरा पिनाकल ट्रेडिंग आइकन्स का ग्रुप है, ये चेक कीजिए, गणेश जी है मुंबई से, ये सब अपने एनालिसिस करते हैं, सब अपने, कोई हम बाय सेल नहीं देते, आप चेक कीजिए इसमें कहीं पर आपको बाय सेल नहीं मिलेगा, लेकिन सब लोग बाय करते हैं, सब लोग सेल करते हैं, आप चेक कीजिए इसमें लोग अपने अपने प्रॉफिट बनाते हैं, लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, सब होता है, हम लोग इसमें शेयर भी करते हैं, सब अच्छी चीजें खराब चीजें सब करते हैं हम लोग, ये देखिए सब अपने एनालिसिस कर रहे हैं, सब अपने एनालिसिस, देखिए मकरंद जी है मुंबई से है, बहुत अच्छे ट्रेडर है, अपना अच्छे पैसे निकलते हैं, आराम से समझाते हैं, इनका वेबिनार भी मैं करा चुका हूँ, ये देखिए कोई और भी है, ये अभी मैसेज आ रहा है मेरे पास इनका, ये सब अपने अपने पैसे कमाते हैं, अपने अपने एनालिसिस करते हैं, अच्छे पैसे निकलते हैं लोगों के, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं लोग, मैं किसी को नहीं बोलता कि बाय करो सेल करो, सब करते हैं, ये देखिए सब अपने अपने एनालिसिस कर रहे हैं, अतुल जी है, ठीक है, डॉक्टर चिन्मय है, चेक करें, सब अपने अपने एनालिसिस कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट भी यहाँ पर डालते हैं, देखिए किसी का 1000 का, ये तो क्या मेरा वाला ही था, ठीक है, लॉस रिकवरी हमने करी थी, मेरा अपना टारगेट कितना रहता है, मैं केवल 1000 रुपए लेता हूँ इस मार्केट से दिन के, इस क्लास के अंदर, मेरी क्लास के अंदर मेरा टारगेट 1000 का है, वो भी इसलिए कि डिसिप्लिन बना रहे, मैं नहीं चाहता मेरे को देख के लोग अपना, ये देखिए डॉक्टर चिन्मय है अहमदाबाद के ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, इनका भी वेबिनार मैंने भी कराया है, एलियट वे पर काम करते हैं ये, और पैसा अच्छा खासा निकालते हैं, डेली का प्रॉफिट है इनका अपना, देख सकते हैं प्रॉफिट भी होंगे ऊपर कहीं पर, सब अपने अपने प्रॉफिट भी यहाँ पर डालते रहते हैं, ठीक है, मैंने 2-3 दिन से ध्यान दे दिया इसको, आप देख चेक कर सकते हैं इसको किसी पर भी, यहाँ ये देखिए सब अपने एनालिसिस कर रहे होंगे, पैसे भी मिल रहे होंगे, सब यहाँ पर होंगे सबके सब, तो काम जब करेंगे तब तो हमें पैसा भी मिलेगा ना, जब काम करेंगे, ये देखिए किसी का प्रॉफिट है ये अक्टूबर का, ये चल रहे हैं, सब अपने प्रॉफिट लेते जाते हैं, जिसका ये कोई 12,400 का है MTF, ये सब कर रहे हैं अपने, ये देखिए किसी का ये प्रॉफिट होगा, 40 का ये होगा, देखिए जो जिसके जितने होते हैं सब निकालता जाता है प्रॉफिट और दिखाता जाता है यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ, देखिए BPL कितना है, 15,624, 43,000, ये देखिए आपके सामने ही है, सब चल रहे हैं, अपने अपने प्रॉफिट डालते रहते हैं, मैं किसी को बाय सेल नहीं देता, किसी को बाय सेल नहीं देता, लेकिन सब अपना काम करते हैं, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा तो काम भी करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो आप काम भी करेंगे, और आपको बड़े बड़े प्रॉफिट भी होंगे, वो आप दिखाएंगे भी, लेकिन बस तब होगा जब आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, ठीक है, ये सब तो दिखता ही रहेगा, ये पूरा ग्रुप से मैंने आपको मिलवा दी, ये सब ग्रुप के लोग हैं मेरे, ये देखिए सब अपने अपने प्रॉफिट करते जाते हैं, देखिए डॉक्टर चिन्मय का ये रहा होगा, कितने का है ये, 2.3 लाख का है ये सिंगल डे का प्रॉफिट है उनका, अपना लोग करते रहते हैं अपने प्रॉफिट, अपना ये देखिए किसी का है ये 40,191 का है, ठीक है, ये आपका 7,000 तो 6,000, ये लॉस भी हुआ सनी जी का, ठीक है, उनका प्रॉफिट भी होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए 5,200 का, ये सब अपने अपने कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे है, सब अपने अपने प्रॉफिट करते रहते हैं, आप जरा इस कंसेप्ट को समझिए कि आपके पास कैसे काम करता है आपका इशिमोकु, जब आपकी सेलिंग होती है, जब आपकी सेलिंग होती है तो सेलिंग कैसे चलती है, सेलिंग होने का तरीका क्या होता है, मार्केट जब क्लाउड से डाउन में आता है, देखिए मार्केट क्लाउड से डाउन में आया तो मार्केट की टेंडेंसी क्या होती है, मार्केट की टेंडेंसी होती है बार बार वो कन्वर्जन लाइन के पास में जाता है, ये देखिए बार बार कन्वर्जन लाइन के पास में जाता है मार्केट, आपको बाय नहीं करनी, ध्यान रखिएगा आपको बाय नहीं करनी है, अगर ये मार्केट कन्वर्जन लाइन के पास में जा रहा है तो मत बाय कीजिए, आपको नुकसान हो जाएगा, हमारी गलती क्या होती है, हमारी बुक्स हमें ट्रेडिंग बुक्स क्या बोलती है, मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर गया बाय कर ले, मार्केट बोलता है कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाते ही आप बाय कर ले, ये चेक कीजिए मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर गया था आपको लॉस दे दिया इसने, तो मार्केट में कभी भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर बाय मत करें, मार्केट अगर नीचे जा रहा है मार्केट की टेंडेंसी है कन्वर्जन लाइन से रिजेक्शन लेना, ये इसकी टेंडेंसी है, जैसे ही मार्केट, ध्यान से सुनते रहे,
जैसे ही मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर चला जाता है, आप ये समझिए कि मेरी सेलिंग शायद खत्म हो रही है, बाइंग नहीं आई, मेरी सेलिंग शायद खत्म हो रही है, राइट। जैसे ही कन्वर्जन लाइन के ऊपर आता है, आप अब आराम से वेट कीजिए, शायद सेलिंग खत्म हो जाए और मार्केट धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ चल के अपनी बेस लाइन के ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब अब सेलिंग खत्म हो गई। क्लियर है? दोबारा बता देता हूं इस सीट को, ध्यान से सुनते रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट नीचे चलता है, बार बार कन्वर्जन लाइन पर आता है, बार बार कन्वर्जन लाइन पर आता है, और जैसे ही कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाए मार्केट, मैं 1 आवर की बात कर रहा हूं, जैसे ही आपको पता लगा कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट आ गया, अब आप थोड़ी सी तसल्ली में आ जाएंगे कि आपका मार्केट अब सेलिंग में शायद ना जाए, जा भी सकता है पर शायद सेलिंग में ना जाए। अब जैसे ही मार्केट आपने देखा कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, तो आप थोड़ा सा रेस्ट में आ जाए और वेट करें क्या कि मार्केट 1 या 2 दिन में बेस लाइन के ऊपर आएगा। जैसे ही मार्केट बेस लाइन के ऊपर आए, अब आपको अब क्या चेक करना है, ध्यान से सुनते रहे, आप सबके काम की बात है। अब यहां पर लोग बोलते हैं चिकन स्पेन का कोई काम नहीं होता, लोग बोलते हैं चिकन स्पेन बेसलेस है, किसी काम नहीं आती, उसका कोई काम समझने नहीं आता। अब जरा हम चिको स्पैन का काम समझते हैं। ये देखिए मैंने चिको स्पैन को एक्टिवेट किया और यही मेरे को बचाएगी, ध्यान से सुनते रहिए, यही मेरे को बचाएगी। अगर पूरे ट्रेडिंग सिस्टम में कोई आपको बचाएगा तो ये क्रॉसओवर बचाएगा और चिको स्पैन बचाएगी, दूसरा आपका कोई नहीं बचा सकता, कोई इंडिकेटर आपको बचा के नहीं देगा यहां पर। ठीक है, चेक करिए यहां पर हुआ क्या, जैसे ही क्रॉसओवर हुआ आपको पता है जहां पर भी कैंडल होती है उससे 26 कैंडल बैक आपका चिको स्पैन चलती है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं कि अगर मैंने यहां पर देखिए ये क्रॉसओवर हुआ था और ये क्रॉसओवर में मतलब यहां कैंडल रही होगी। अब जरा अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आप चेक कीजिए उस समय चिको स्पैन कहां पर थी, मैं 26 कैंडल बैक करता हूं और चिको स्पैन आपका अराउंड आपका यहां थी, चेक कर लीजिए 26 बार सीरे चिको स्पैन जब ये क्रॉसओवर आया तो यहां पर थी। मेरे को चिको स्पैन कहां चाहिए, मेरे को चिको स्पैन चाहिए है जब ये बेस लाइन को क्रॉस कर रही हो, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये बेस लाइन को क्रॉस कर रही हो मेरे को वो जगह चाहिए इसकी, वो जगह मेरे पास सबसे अच्छी होगी इसकी। अब चेक कीजिए इसने बेस लाइन को कब क्रॉस किया, यहां से देखिए कन्वर्जन लाइन को क्रॉस किया, मेरे को मतलब नहीं था, फिर नीचे घूमती रही, मार्केट नीचे आता रहा, देखिए नीचे आता रहा, और कब इसने बेस लाइन को क्रॉस किया ये रहा। अब जरा हम ये चेक करते हैं, देखिए मार्केट तब तक ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन जब इसने बेस लाइन को क्रॉस किया वो जगह थी ये, इसका मतलब यहां से अगर मैं 26 कैंडल आगे चेक कर लूं तो मेरे को पता लग जाएगा मेरी बाय कब आई, एग्जैक्ट बाय देखिए 23, 27, 26 इस जगह पर देख रहे हैं, ये बेस लाइन थी, बेस लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट चला ये आपका पूरा बाय शुरू हो गया, अच्छा खासा बाय वो लेके चला गया, अच्छी खासी बाय आपको उसने दे दी। तो किसी भी सिस्टम में आप इसको यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस की बात करता हूं, ये देखिए रिलायंस है, आप पीछे से चलिए और देखिए इसको कब इसने बाय दी, जब कभी भी यहां पर चेक करें, ये देखिए आपका मार्केट कब आपको बाय देखे गया, यहां पर चेक करें जरा, मार्केट नीचे चलता रहा, चलने दीजिए मार्केट को, आपका कोई काम नहीं, बार बार कन्वर्जन लाइन पे जाएगा, आपका कोई काम नहीं। देखिए मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, आने दीजिए, इसके बाद बेस लाइन के ऊपर आया, नहीं आया अभी, फिर नीचे आ गया, फिर क्रॉसओवर आ गया, देखिए आने दीजिए क्रॉसओवर, क्रॉसओवर जब आए आप चेक करें चिको स्पैन क्या कर रही है, आपने देखा चिको स्पैन जो है वो आपके पास अभी चल रही है, और मैंने देखा सपोज ये क्रॉस कर गई, मेरे को कहां चाहिए जब ये इसको क्रॉस कर रही हो, बेस लाइन को क्रॉस कर रही हो, ये चिको स्पैन का सबसे अच्छी जगह है। आप चेक कीजिए कहां पर है ये 26, ये एग्जैक्ट चेक कर लीजिए 26 कैंडल, ये मतलब यहां पर मैं इसको बाय कर सकता था, और आप चेक कर सकते हैं बाय बेस ने अच्छा खासा अमाउंट आपको दिया होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। इसके अलावा अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी बाय कब बाहर आएगी, मतलब मैं फर्स्ट नंबर की बाय कब करूं, तो मैं जरा इसको चिको स्पैन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ठीक है। अब आपको बाहर बाय कब करनी चाहिए, मतलब फर्स्ट नंबर की बाय, मैंने आपको फोर्थ नंबर की बाय यहां पर बता दी है, 4 नंबर की बाय बता दी है, अब मैं आपको फर्स्ट नंबर की बाय बता रहा हूं, फर्स्ट नंबर की बाय कैसे आया करती है, जरा इसको चेक कर ले,
फर्स्ट नंबर की बाएं बड़े आराम से अच्छी तरीके से आया करती है यहाँ पर। कैसे? सबसे पहले आप देखिए कैंडल को बाहर निकल दे दीजिए। कैंडल जब बाहर निकलती है तो एक कैंडल का बाहर निकलना होता है, परफेक्ट कैंडल का ब्रेकआउट क्या होता है जरा इसको समझ ले। सपोज मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है और मैं चाहता हूं कि मैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके एक बाय लू। तो मेरे पास यहां पर बाय के क्या क्या तरीके होते हैं? एक तरीका होगा एक कैंडल है जो कि इसको पूरा ऐसे क्रॉस करती है, ये मेरे लिए एक अच्छी बाय साबित हो सकती है, राइट। एक कैंडल मेरे पास ऐसी होती है जो कि लंबी नीचे से डाउन है और ऊपर जाके छोटा सा मेरे को बाय देती है, राइट। एक कैंडल ऐसी है जो कि नीचे से शुरू होती है और बहुत लंबी ऊपर चली जाती है, एक बाय ये भी होती है। एक बाय आपके पास होती है कि यहां से ऊपर गई और यहां पर उसने ऊपर विक बना दी। एक बाय ऐसी होती है कि आपकी यहां से विक आई छोटी सी, और एक बाय ऐसी भी होती है जिसमें आपके पास बॉडी नीचे होती है और ऊपर से विक आ जाती है। अब इनका मतलब क्या है अलग अलग, जरा इसको समझ लें, आपके काम की बात रहेगी। अगर आपकी जो बॉडी है आधी ऊपर और आधी नीचे है, ये परफेक्ट बाय है, आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरी बॉडी मैक्सिमम बॉडी नीचे है, इसका मतलब बायर को यहां पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे ऊपर तक जाते आते। बायर अपने जिसने यहां पर बाय किया होगा वो तो यहां पर सेलिंग निकालने की सोचेगा, राइट और बताए। जिसने यहां पर इतनी बड़ी कैंडल आपकी बन गई, ध्यान से सुने, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, जिसने यहां पर बाय किया होगा उसे यहां पर 40,000 का फायदा जा रहा है, तो वो क्यों रुकेगा यहां पर? क्यों 1,00,000 बनाने के लिए रुका रहेगा? वो तो 40,000 का फायदा लेके निकल जाएगा और आप यहां पर बाय करके फंस जाएंगे, राइट और इसलिए ये काम करना नहीं है। तो मार्केट में अगर किसी रेजिस्टेंस से नीचे एक बड़ी कैंडल बनी है तो ऊपर एकदम से मैं बाय नहीं करूंगा, क्लियर है। सेम चीज अगर नीचे छोटी सी कैंडल है और ऊपर बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो भी मार्केट एग्जॉस्ट हो जाएगा, इसके ऊपर बाय नहीं होगी। अब आता है केस, आप देखिए अब क्या हुआ, मेरा नीचे का और ऊपर का यहां पर एक बराबर बन रखा है तो ये मेरा बाय एक अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिलता है कि यहां पर कैंडल है और ऊपर छोटे से विक बन रखी है, ये भी आपके लिए बाय के लिए ओके है। मगर आपको अगर ये पता लगेगा विक ज्यादा है और नीचे बॉडी छोटी सी है तो ये मेरा बाय नहीं होगा, क्लियर है। यहां पर मैं बाय करके ना ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपके पास सिस्टम है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आ गया कि यहां पर कैसी कैंडल होनी चाहिए, ब्रेकआउट पर कैसी कैंडल होनी चाहिए जो कि लगभग बराबर की हो, मतलब बराबर ब्रेकआउट करती है ऊपर और नीचे, राइट। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ऐसी कैंडल है जो कि आधी ऊपर और आधी नीचे है, ओके है, ये बिल्कुल ओके है, ये कैंडल पर आप ब्रेकआउट ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा काम करना है कि जब कभी भी ब्रेकआउट हो तो आप कभी भी उस कैंडल के ब्रेकआउट पर बाय मत ले जो कि ब्रेकआउट कर रही हो। आधे लोगों की गलती क्या होती है, यहां पर आधे लोगों की गलती होती है जैसे ही इससे बाहर निकला लोग बाय कर लेते हैं, मत करें। जैसे ही क्लाउड से बाहर निकला लोग बाय कर लेते हैं, मत करें कभी भी ऐसे बाय, ये गलती करेगा। मार्केट को पहले बाहर कैंडल बनाने दीजिए। अब देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट ऊपर तक आए और इस कैंडल को पूरा खींच के नीचे ले जाए, राइट और हो सकता है ऐसे, देखिए तो आपको इश्यू हो सकते हैं यहां पर बहुत सारे, तो इसलिए ऐसा मत करें। तो मार्केट में क्लाउड के बाहर कैंडल को आराम से निकलने दे, क्लोज होने दे बाहर। जैसे ही मार्केट क्लोज होता है तो दो तीन सब चीजें समझे कि सपोज मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दे दी, कौन सी जगह पर, सपोज मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दे दी तो अब मार्केट दो काम कर सकता है। पहला काम क्या कि मार्केट यहां तक क्लाउड तक नीचे आ सकता है। तो अगर मार्केट डाउन में चल रहा है तो वेट कर लीजिए मार्केट क्लाउड तक आ जाए, और क्लाउड से उठेगा तो आपको अच्छी बाय देगा। या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने इस हाई के ऊपर बाय कर ले, चेक करें जो भी कैंडल का हाई है उसके ऊपर। मार्केट अगर नीचे है तो बाय मत करें, और मार्केट का अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं और क्लाउड के नीचे अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा तरीका है। एक तरीका और भी है इसी में काम करने का, इसी मोटो के साथ में काम करने का, कि आप क्या करें, जब तक कैंडल देखिए बाहर निकली, कैंडल बाहर निकली, आपको तब तक इसमें बाय नहीं करना है जब तक कि कन्वर्जन लाइन बाहर ना निकल जाए। चेक करें, जब तक कन्वर्जन लाइन बाहर ना निकल जाए तब तक आप बाय मत करें,
क्लियर है। आप चेक करें क्या हुआ, यहां पर ये बाहर निकली, कन्वर्जन लाइन अंदर थी, इस कैंडल पर भी कन्वर्जन लाइन अंदर थी राइट, और इस कैंडल पर कन्वर्जन लाइन बाहर निकल गई है, मतलब यहां से मेरा बाय बनता था। क्लियर है, मैं आपको और जगह दिखा देता हूं, बहुत जगह और होगी कहीं पर भी, कोई भी जगह ढूंढे कि कब आपकी मार्केट बाहर निकली, चेक करें कोई भी जगह, आपको दिखाता हूं अच्छी सी, या कोई भी जगह पकड़ ले और उसमें चाहे वो बाय का है सिस्टम चाहे सेल का सिस्टम है। अब देखिए आपको यहां पर दिखाता हूं, ध्यान से चेक करें, छोटी छोटी बातें हैं मगर काम की, ऐसे बोलते हैं छोटी बातें मगर काम की। देखिए मार्केट यहां से बाहर निकला, ध्यान से सुने, आपके एक बहुत काम की बात बता रहा हूं, और ये हमारे जो इशिमोकु सिस्टम है ये हमें एक परफेक्ट सिस्टम है, लेकिन हमें समझना थोड़ा भारी पड़ता है। अब मैंने आपको क्या बोला, जब तक कि कन्वर्जन लाइन बाहर ना निकल जाए तब तक आप बाय मत करें। यहां पर जरा चेक करें, देखिए ये कैंडल क्लाउड से बाहर निकल रही थी, कन्वर्जन लाइन नीचे थी, बाय करने का कोई सेंस नहीं था। देखिए सब जगह कन्वर्जन लाइन नीचे थी, मेरा बाय करने का सेंस नहीं था। इसके बाद देखिए ये ग्रीन कैंडल, ये बाहर निकली, कोई भी बाय कर सकता था, मगर कन्वर्जन लाइन नीचे है तो बाय करने का कोई सेंस नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई सेंस नहीं है बिल्कुल, और एक घंटे की कैंडल है। उसके बाद ये कैंडल भी बाहर निकली, कन्वर्जन लाइन नीचे है, बाय करने का कोई सेंस नहीं है, है ही नहीं कोई सेंस यहां पर। आप जरा दोबारा चेक करें आगे, उसके बाद देखिए रेड कैंडल बन गई, कन्वर्जन लाइन अंदर है, लेकिन जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी कन्वर्जन लाइन बाहर निकल आई राइट, क्या मतलब। और उसके बाद जरा आप चेक कीजिए इसका मूवमेंट कितना है, क्यों मार्जिन जी, सही बात है, जैसे ही कन्वर्जन लाइन बाहर निकलती है तो आपको एक मूवमेंट मिलता है, बड़ा लंबा तगड़ा सा मूवमेंट। अब यहां पर जरा चेक कीजिए, जो लोग सिल्वर में काम कर रहे हैं उनके साथ क्या है, इस समय चेक करिए सिल्वर माइक्रो में क्या हो रहा है, यहां पर जरा चेक करें और वन डे में चेक करें। यहां पर अगर आप चेक करते हो तो इस समय देखिए क्रॉसओवर आ चुका है, क्रॉसओवर आ चुका है ठीक है, और यहां पर जो आपके पास ये लाइन है कन्वर्जन लाइन है ये डायरेक्टली बाहर की तरफ जा रही है। देखिए मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो रखा है, ध्यान से सुने, ये कंट्रोवर्सी है, मार्केट के अगेंस्ट में जाना बोलते हैं इसे, मार्केट के अगेंस्ट में मैं बात कर रहा हूं। देखिए मार्केट का क्रॉसओवर आ रखा है, देखिए मार्केट में आपको क्या मिल रहा है, क्रॉसओवर, क्रॉसओवर के बाद में देखिए दोनों लाइन क्रॉस हो रखी है, अक्सर ये दोनों लाइन अक्सर एक जगह मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देती है। तो ये देखिए क्रॉसओवर आ रखा है, मतलब बाय का क्रॉसओवर है सारा कुछ मेरा, क्लाउड भी ग्रीन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहां पर इशू क्या हो गया, एक छोटा सा इशू है, और वो इशू है कि मेरी जो कैंडल है वो नीचे है, कन्वर्जन लाइन के नीचे है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं यहां से सेलिंग करूं या बाय करूं, तो मेरा जो अपना ओपिनियन रहेगा वो ये रहेगा कि जो आपके पास कन्वर्जन लाइन है, देखिए मार्केट भले ही नीचे आ रहा है लेकिन मार्केट में कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है, और मोस्ट प्रोबेबली कल बाहर निकल जाएगी, मतलब मंडे को बाहर निकल जाएगी राइट, मंडे को बाहर निकलेगी और ये कैंडल इसके ऊपर खुलनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। अभी हुआ नहीं है सब, ये हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रेडिक्शन है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होना चाहिए। तो आप समझिए कि मार्केट कितना ऊपर खुलेगा, अगर मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बात करता हूं, इस समय सिल्वर चल रहा है 64,717 और मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है तो आपका 65,400 लगभग 700-800 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलेगा। ध्यान दीजिए मार्केट जो सिल्वर का है वो आपका 700-800 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए रूल के मुताबिक, तो आपको एक बहुत अच्छी बाय देखने को मिलेगी, यहां से एक शूट करेगा मार्केट बहुत प्यारा, जिसके भी लॉस है वो खत्म करेगा, और मार्केट अभी पूरा बाय में है। इन दोनों का डिस्टेंस चेक कीजिए, एक बाय का डिस्टेंस बना हुआ है, क्लाउड आपका ग्रीन है ठीक है, शिकाउ स्पैन ने आपके पास क्रॉस ओवर करके बैठी है ठीक है, आपका ये क्रॉस ओवर मिला हुआ है, सब कुछ आपके पास डायरेक्शन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है राइट। आप दो चीजें हमें चाहिए, यहां पर चेक कर लीजिए, नीचे बेस लाइन आपकी फ्लैट हो रखी है और स्पैन भी फ्लैट हो रखा है, मतलब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाने वाला अभी राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जाएगा ही नहीं, जिस टाइम भी आपको ये हल्का सा ऊपर चलना शुरू हो जाएगा ये सबसे पहले इसको ब्रेक करेगा, मतलब इस हाई को ब्रेक करेगा और आपके पास एक ऊपर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं नो ट्रेड जोन,
इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं होगी, इसका मतलब है केवल नो ट्रेड जोन, आप ट्रेड नहीं करें अभी, रुक जाए थोड़ा सा। तो ये आपके मैंने दूसरा तरीका बताया। यहां पर आप क्या करें, जब कभी भी बाय होती है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, बाय कब करनी है ध्यान से सुने, मैंने सबको, जितने मेरे लोग हैं मैंने सबको बोला था कि अभी बाय मत करो। रीजन क्या था, रीजन क्या था, देखिए अगर मैं वनडे में बात कर रहा हूं तो वनडे में चेक कीजिए, मार्केट क्लाउड से बाहर निकली है, देखिए सिल्वर क्लाउड से बाहर निकला, मगर इसकी कन्वर्जन लाइन कहां थी, नीचे। ये बाहर निकला, इसकी लाइन कहां थी, नीचे। ये बाहर निकला, लाइन कहां थी, नीचे। ये बाहर निकला, लाइन कहां थी, नीचे। ये बाहर निकला, लाइन कहां थी, नीचे। इसका मतलब अभी इसका बाय बना ही नहीं है। इसका बाय कब बनेगा, इसका बाय तब बनेगा दो कंडीशन में। पहली कंडीशन क्या होगी कि जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है कन्वर्जन लाइन, ये बाहर निकले, कल निकल जानी चाहिए, या तो कल या परसों, दो आपका टाइम पे निकल जाएगी, या तो कल ही निकले मिलेगी या हो सकता है परसों निकल जाए। तो ये जैसे ही बाहर निकलेगी और ये जो नीचे कैंडल है ये इसके ऊपर खुलेगी, तभी तो बाय बनेगा। अगर मार्केट नीचे तब भी मेरा बाय नहीं देगा, तो ये बाय आपका बना सकता है बहुत अच्छा, तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी बाय देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब मैं और स्टॉक के साथ में बात करता हूँ, किसी जगह पर भी आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं, राइट। मैं देखता हूँ यहाँ पर और कोई स्टॉक हम ढूंढते हैं, राइट, किसी स्टॉक पे बात करते हैं। ये देखिए मैंने आपको जैसे बोल रहा था कि अगर आपने सपोज ग्रेसिव पे बाय ली होती तो अभी तक आप पूरा बाय में बैठे होते बहुत अच्छे से, और अच्छे पॉइंट आप इस समय एक्वायर कर रहे होते हैं। देखिए 770 से, और इस समय कितने पॉइंट आ रखे, 1760, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आप देखने को यहाँ पर तैयार रहते। आप देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर वनडे में भी अगर मैं बात करता हूं बाय की, ठीक है, वनडे 1 आवर कोई भी टाइम फ्रेम आप ले लीजिए, बाय का हुई, चेक कीजिए, ये भी बाहर दिख रही थी, देखिए कैंडल, समझ ध्यान से समझिए, आपके पास काम की चीज रहेगी। ठीक है, ये देखिए मार्केट बाहर निकला मगर कन्वर्जन लाइन नीचे, मार्केट ऊपर निकला कन्वर्जन लाइन नीचे, मार्केट बाहर निकला कन्वर्जन लाइन नीचे, राइट, नहीं थी बाय, लेकिन मार्केट देखिए कन्वर्जन लाइन बाहर निकली, क्लाउड कैंडल नीचे, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, कि कन्वर्जन लाइन देखिए बाहर निकल गई लेकिन कैंडल नीचे, तब भी बाय नहीं है, समझ ले। ये देखिए कन्वर्जन लाइन नीचे कैंडल ऊपर, बाय नहीं है, कन्वर्जन लाइन ऊपर कैंडल नीचे, बाय नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या बनेगी, कन्वर्जन लाइन बाहर और कैंडल भी ऊपर, ये मेरी बाय बनती है, और उसके बाद आप चेक कीजिए आपको एक अच्छी बाय देखने को मिलती है। तो सिस्टम है, अगर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे तो आपको एक अच्छी बाय देखने को मिलेगी। यहां पर चेक कीजिए, देखिए मैं रैंडम दिखा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि पहले से मेरे स्टॉक है, मैं रैंडम कोई भी उठा रहा हूं। ये देखिए बाहर निकलना है कन्वर्जन लाइन नीचे, ये बाहर निकला कन्वर्जन लाइन नीचे, ये बाहर कन्वर्जन लाइन नीचे, लेकिन ये बाहर निकला तो कन्वर्जन लाइन ऊपर थी, बाय हो गया, राइट। दोबारा का बाय होता है वो भी एक अलग सिस्टम है कि दोबारा कब बाय करेंगे अगर आपकी बाय छूट जाती है। ये देखिए चेक कीजिए यहां पर, यहां क्या हुआ, चेक करें क्या ये बाय था, ये देखिए क्लाउड ऊपर गया, सॉरी कैंडल ऊपर गई, ये देखिए नीचे बैठी है, ये ऊपर गया नीचे बैठी है, ये देखिए सब जगह नीचे बैठी है, नहीं था बाय आपका, जैसे ही ये बाहर निकलेगी आप चेक कीजिए जरा, अब आपके पास एक अच्छा बाय, राइट। अब चलिए एक काम करते हैं छोटा सा, और इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अमित जी सही बोल रहे हैं, मेरी तबीयत आज सही नहीं है, आज मेरे को फीवर है, कल से फीवर है काफी अच्छा, 103 के आसपास फीवर है, पर ये वेबिनार मैंने करना था, मैंने बोल दिया था तो इसको मैं टाल नहीं सकता था, तो इसलिए मैं फीवर में ही समय ये वेबिनार ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को ट्रेनर बनाने हैं तो उसके लिए मेहनत मेरे को भी उतनी करनी पड़ती है, अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो मैं भी मेहनत उतनी करता हूँ, राइट। तबीयत अपनी जगह है, खराब है, एक दो तरीके थे मेरे पास, या तो मैं टाल देता इस वेबिनार को, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी अगर मैं इस वेबिनार को मना कर देता कि मेरे को नहीं करना है, उससे मेरा कोई नुकसान भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो लोग वेट करते हैं, जिन लोगों ने मेरा वेट किया होगा उन लोगों को थोड़ा धक्का लग सकता था, मैं नहीं चाहता था ऐसा कुछ, तो एक कमिटमेंट किया है तो मैंने, सारे लोग हैं जितने मेरे लोग हैं, जितने भी मेरे लोग हैं, जितने मेरे डायमंड्स हैं, मैंने उनको हमेशा बोला मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप ट्रेडिंग करो मैं पीछे खड़ा हूं, नुकसान फायदा मैं पीछे खड़ा हूं,
मैंने हमेशा बोला उनको, पीछे खड़ा होने का मतलब पीछे ही खड़ा होना है, मैं होता हूं पीछे खड़ा हमेशा, और ये आप सब लोग जानते हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और आगे देखते हैं यहां पर, कि ये जगह जो है बाय सेल की, बहुत अच्छी अच्छी जगह आपको बाय सेल की देखने को मिल सकती है जब कभी भी। अब हम आ रहे हैं स्क्रीनर पर, कि क्या मैं इसका स्क्रीनर पे बना सकता हूं, क्या मेरा कोई स्क्रीनर बन सकता है इसका। तो देखते हैं हम इसका स्क्रीनर क्या मैं बना सकता हूं, देखते हैं। अब मैं यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि स्क्रीनर कौन सा बनाऊं, स्क्रीनर कौन सा बना, ठीक है। अब इन्हीं इन्हीं पार्ट को आप हम डिस्कस करेंगे, कि अब मैं यहां पर सबसे पहले अपनी कंडीशन डिफाइन करें कि मेरा स्किनर बनेगा कैसे, मेरे स्किनर में क्या क्या होना चाहिए। मेरे स्किनर में दो चीजें होनी चाहिए। पहला केस क्या, पहला केस ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब जो मेरे क्लाउड से बाहर ब्रेकआउट कर रहे हैं वो स्टॉक्स, या फिर दूसरे वो वाले जिनकी कन्वर्जन लाइन बाहर निकल रही है, राइट। दो चीजें मेरे ने बहुत काम की है। तो पहले हम ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो कि हमारे ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो शायद मेरे वो काम के हो। तो मैं इसको यहां से अभी चार्टिंग पर चलते हैं, charting.com पर चलते हैं, और यहां पर थोड़े स्कीनर बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैंने कंडीशन में क्या डाला जरा चेक कर लीजिए, मैं आपको कंडीशन से बना के दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक क्लाउड है, और क्लाउड से मैं चाहता हूं, ये सपोज मेरे पास एक क्लाउड है, और मैं चाहता हूं इस क्लाउड पर, ये क्लाउड पर मेरे को ऐसे स्टॉक मिले जो कि ऐसे बाहर निकले हुए, राइट। मतलब क्या होगा कि यहां पर मैंने देखा मेरा जो क्लाउड है उसके ऊपर कैंडल अभी अभी बाहर निकली होनी चाहिए, मतलब ये तो हो गया कैंडल का ओपन, ये हो गया कैंडल का क्लोज, राइट। मतलब ओपन तो हो इसके अंदर और क्लोज हो बाहर। तो जरा इस चीज को हम यहां पर डिपिक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि मेरा जो ओपन है वो कहां पर होना चाहिए, यस, ओपन कहां पर होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कहां से, इशिमोकु क्लाउड के बॉटम से, ये देखिए। और लेटेस्ट की जगह कर देते हैं सपोज, चले लेटेस्ट भी रख लेते हैं अभी, ठीक है। यहां पर मैंने एक दिन में देख रहा हूं ऐसे क्लाउड जो कि बाहर निकलने के लिए तैयार है कैंडल, ठीक है। और मैंने बोला मेरा जो ओपन है वो कहां पर होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए क्लाउड के बॉटम से, इसी को मैंने कॉपी किया, ओपन जो होना चाहिए लेस देन होना चाहिए कहां से, इशिमोकु क्लाउड के टॉप से, मतलब कहां होना चाहिए मेरा ओपन इसके बीच में, क्लियर हो गया, यहां होना चाहिए। मेरा जो क्लोज होना चाहिए कहां पर होना चाहिए, मेरा जो क्लोज है वो अबव द क्लाउड होना चाहिए, राइट। अब मैं क्या बोलता हूं, मेरा जो क्लोज है वो कहां पर होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए इशिमोकु क्लाउड के टॉप से, इशिमोकु क्लाउड के टॉप से, एक मिनट, इशिमोकु क्लाउड के टॉप से ऊपर होना चाहिए, राइट। ये मेरे पास कंडीशन आ गई। दोबारा से चेक करें मैंने कंडीशन क्या बनाई है। मैंने बोला लेटेस्ट ओपन जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए बॉटम, क्लाउड के बॉटम से, क्लाउड के बॉटम से ओपन हो ऊपर, और जो ओपन है वो लेस देन होना चाहिए क्लाउड के टॉप से, क्लाउड के टॉप से नीचे होना चाहिए, मतलब ये बीच में होना चाहिए, राइट। दूसरा मैंने बोला जो मेरा क्लोज है, ये तो ओपन हो गया, मेरा जो कैंडल का क्लोज है वो कहां पर होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए इशिमोकु क्लाउड के टॉप से, टॉप से ऊपर हो, राइट। अब मैं इसको रन करके देखता हूं कि मेरे को कोई स्टॉक निफ्टी 50 में ढूंढते हैं, मेरे को कोई स्टॉक मिलते हैं या नहीं मिलते, नहीं मिल रहे इसमें, ठीक है। चलिए और ढूंढते हैं, इसमें देखते हैं फ्यूचर में मेरे को कोई स्टॉक मिल पा रहे हैं, ये कुछ स्टॉक है जो कि फ्यूचर में काम में आ रहे हैं मेरे। अब मैं इनको चेक करने की कोशिश करता हूं कि इनमें से कोई है कि नहीं है। मैंने देखा इंडिगो, इसको देखने की कोशिश करते हैं इंडिगो को, क्या इंडिगो मेरे पैरामीटर पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं इसको वन डे में चेक करता हूं। देखिए ये मेरी जो कैंडल है क्लाउड से बाहर निकली है, क्लाउड से बाहर निकली है, लेकिन ये कैंडल मेरे काम की नहीं है अभी, क्योंकि बहुत लंबा मूवमेंट ले चुकी है। अब देखते हैं, और मैंने देखा इसको रैमको सीमेंट, इसको देखते हैं रैमको सीमेंट, रैमको सीमेंट पे देखते हैं, ये भी एक अच्छा मूवमेंट है,
आप इसको मूवमेंट को पकड़ सकते थे बहुत आराम से, और अभी भी मूवमेंट अच्छा है लेकिन बहुत बड़ी कैंडल बनाई हुई है इसने, तो अभी मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा। वोल्टास MCX PEL, एक आपके पास है वोल्टास, वोल्टास एक अच्छी जगह पर है लेकिन ये खराब जगह पर है, अच्छी जगह पर है मगर खराब जगह पर है। कोई बता सकता है कि भाई अच्छी जगह खराब जगह क्यों? मैं बता देता हूँ, चलिए मैंने आवाज बंद कर रखी है, आप चेक कीजिए। वन डे के अंदर अगर मैं क्लाउड के हिसाब से बोलता हूं तो बाय कब होनी चाहिए? इन दोनों लाइन्स के ऊपर, और ये इन दोनों लाइन के नीचे है, तो भले क्लाउड से ऊपर निकल रहा है मगर इन दोनों लाइन से नीचे है, तो ये भी सेलिंग पर ही है, बाइंग पर नहीं है, तो स्टॉप, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगा। एक और देखते हैं MCX और PEL। MCX की बात भी करते हैं, इसकी MCX आपके पास देखिए, अभी ये भी बहुत अच्छी जगह पर नहीं है, ये गैप डाउन दिया था तो एक लंबा डाउन ये ले सकता है अभी। और एक और स्टॉक है हमारे पास PEL, इसको भी देख लेते हैं। पर फिलहाल अगर मैं इसको वैसे भी देखता हूं, देखिए जैसे आपका MCX था, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, ये लाइन छोड़ दूं मैं इशिमोकु की, तो आपको एक अच्छा बाय देखने को मिल सकता है। यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये देखिए क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्लाउड से बाहर कैंडल निकल रही है, तो आप चाहो तो एक छोटा मोटा बाय यहां से ले भी सकते हो। अगर मैं इसी को ही जो मैंने यहां पर बनाया है, इसी को ही मैं लेटेस्ट की जगह 1 आवर कर देता हूं, तो देखिए आपको 1 घंटे में यहाँ कैंडल्स मिलनी शुरू हो जाएगी, सेम चीज ये देखिए 1 घंटे में। लेकिन यहां पर एक पूरे ट्रेड में कमी है, और उस कमी को भी मैं बता देता हूं आपको क्या है, कि हमने कौन से वाले स्टॉक मेरे पास सबसे अच्छे रहेंगे बाय करने के लिए, मैं बताता हूँ कौन से स्टॉक आपके पास सबसे अच्छे रहेंगे। ये देखिए सबको 1 आवर कर दिया मैंने, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ फ्यूचर में, तो देखिए मेरे पास इतने सारे स्टॉक मिल रहे हैं। मैंने देखा BEL, चलिए BEL को बात करते हैं। BEL मैंने देखा और इसे 1 आवर में देखा, तो क्या 1 आवर में बाहर निकल रहा है? यस और नो? यस, BEL एक अच्छा बाय हो सकता है। यहां पर जरा चेक करें, मार्केट का एन वेव का सपोर्ट इसे मिल रहा है, इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर होता है तो आपको एक बाय दे सकता है मार्केट यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर और कौन से स्टॉक है। यहाँ पर मैंने देखा डिवीस लैब, बैंक बड़ौदा, एशियन पेंट। अब चलते हैं डिवीस लैब पर। डिवीस लैब ये देखिए, ये भी अच्छी जगह पर आ रहा है। बैंक बड़ौदा आपके पास अच्छी जगह पर आ रहा है क्या? बैंक बड़ौदा को भी देखते हैं, ये क्या अच्छी जगह पर आ रहा है? ये बहुत अच्छी जगह पर नहीं है अभी, रुक जाए थोड़ा सा। क्यों मैं क्यों बोल रहा हूं, आप जरा यहाँ पर ये समझिए कि मार्केट कब अच्छा बाय देगा आपको। सब एक चीज और समझे कि मार्केट जब कभी रेड क्लाउड से ऊपर निकलता है तो उसका क्या मतलब है, और ग्रीन क्लाउड से ऊपर निकला तो उसका क्या मतलब है, जरा इस चीज को समझ ले। देखिए मार्केट ये रेड क्लाउड से नीचे निकला, समझे, सॉरी ग्रीन क्लाउड से नीचे निकला, ये देखिए। अगर रेड क्लाउड से ऊपर मार्केट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट नीचे एक लंबी जर्नी करके तब ऊपर आ रहा है, राइट? अगर मार्केट रेड क्लाउड से ऊपर निकल रहा है तो मार्केट एक लंबी डाउन में जर्नी करने के बाद ऊपर आ रहा है यहां पर, इसका मतलब ये एक अब चूंकि ऊपर आया तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो देखिए एक अच्छा मूवमेंट लेता है। लेकिन मार्केट दो जगह पर ऊपर निकल सकता है, या तो रेड क्लाउड से निकलेगा या हो सकता है ग्रीन क्लाउड से निकल रहा हो, तो अगर मार्केट ग्रीन क्लाउड से ऊपर निकल रहा है तो मतलब अपना सपोर्ट लेके निकल रहा है, राइट? अच्छा कौन सा है? रेड क्लाउड। तो अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए मैं यहां पर अब क्या करता हूं, ऊपर मैंने यहां पर एक रेड क्लाउड की कंडीशन डाल दी, और रेड क्लाउड की कंडीशन क्या होती है, रेड क्लाउड में स्पैन ए नीचे और स्पैन बी ऊपर होता है, और ग्रीन क्लाउड में स्पैन ए ऊपर होता है, स्पैन बी नीचे होता है। तो मैंने इसको एक छोटी सी कंडीशन डाल दी, इशिमोकु स्पैन ए इज लेस देन इशिमोकु स्पैन बी, और इसको भी मैंने 1 आवर पे कर दिया। इसका मतलब अब क्या होगा, मेरे ये रेड क्लाउड में से मार्केट निकलता हुआ मेरे को दिखेगा। रन कर दिया, कितने स्टॉक मिल रहे हैं इसको, रनिंग में डिस्टरबेंस आएगी इसकी, ये वो हटा दिया वो उसने, अब हमारा पूरा का पूरा ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको जा सकते हैं आराम से लेके। एक छोटी चीज और बताता हूं, वो आपके काम की रहेगी, चाहे तो उसको यूज कर लेना, ठीक है, उसको चाहे तो यूज कर लेना आप लोग, ठीक है, आपके काम का रहेगा, कि मार्केट के अंदर जो कन्वर्जन लाइन होती है उस पर भी अपने ट्रेड आप ले सकते हैं। मैं दिखा देता हूं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है।
ये सपोज मैं कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों एक्टिव कर देता हूं यहां पर, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। मैंने कन्वर्जन में बेस लाइन एक्टिव कर दी है, और यहां पर आप शायद समझ पाए इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, शायद समझ पाए इस चीज को, ठीक है, मेरे को लगता नहीं एकदम से आएगी समझ में, मगर अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा होगा। उस चीज को मैं दिखा देता हूं, यहां पर चेक करें, ठीक है। जब मार्केट नीचे आता है, ये बहुत अच्छी जगह होती है, और उस टाइम पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब मार्केट अपने क्लाउड से नीचे है और अपनी कन्वर्जन और बेस लाइन से भी नीचे चल रहा है, तो मार्केट की टेंडेंसी होती है कन्वर्जन लाइन पर जाना। आपको क्या काम करना है, जैसे ही मार्केट कन्वर्जन लाइन पर जाता है, आप यहां से रिजेक्शन ढूंढे, और रिजेक्शन कितने टाइम का, 1 आवर का, 1 घंटे का रिजेक्शन आप यहां पर ढूंढे। जैसे ही आपको 1 घंटे का रिजेक्शन मिलता है और सारी लाइन से मार्केट नीचे चलता है, आप अपना सेल डाल ले, क्लियर है, आप यहां पर अपना सेल डाल के रख ले। फिर से चेक करें जरा, यहां पर मार्केट देखे नीचे आया और नीचे आके फिर से कन्वर्जन लाइन पर गया, जैसे ही रिजेक्शन मिला आपके पास से फिर से एक डाउन आएगा लंबा, ये देखिए दोबारा से मार्केट कन्वर्जन लाइन पर गया रिजेक्शन। तो जब तक आपको रिजेक्शन मिलता रहे आप लेते रहे उसमें। दिखा देता हूं, देखिए यहां पर भी क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, कन्वर्जन लाइन पे जाएगा रिजेक्शन, कन्वर्जन लाइन पे जाएगा रिजेक्शन, लेकिन कन्वर्जन लाइन से नीचे रिजेक्शन ले, ये आपके बहुत काम के रहेंगे। ये देखिए यहां पर भी ऐसे ही, आपके पास अगर बाय साइड में जाते हैं तो बाय साइड में आप लोग क्या करें, मार्केट अगर ऊपर चल रहा है तो मार्केट की टेंडेंसी होती है कन्वर्जन लाइन पर आना, मार्केट की टेंडेंसी होती है कन्वर्जन लाइन पे आना। तो जैसे ही मार्केट कन्वर्जन लाइन पर आए, चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि मार्केट जैसे ही कन्वर्जन लाइन पर आए और यहां से रिजेक्शन लेके अपनी ग्रीन कैंडल बनाए, ये आपका बाय बनेगा, क्लियर है। ये कहीं पर भी आप पीछे भी चेक कर सकते हैं, आगे भी, सेलिंग में चाहे बाइंग में, कहीं पर भी आप चेक करें इसे। जब कभी भी मार्केट एक कन्वर्जन लाइन के पास में जाएगा, ये देखिए यहां से चेक करें, मार्केट ऊपर चला, बाय कब करती है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही, जैसे ही मार्केट नीचे आ गया छोड़ दे, ऊपर चलता है बाय करें, ये देखिए नीचे आया कन्वर्जन लाइन के ऊपर वापस बाय, यहां से ऊपर आया वापस बाय, तो यहां से आप अपना बाय लेके जा सकते हैं बड़े आराम से, राइट। तो ऐसे आप किसी भी, चाहे करेंसी पेयर है, चाहे आपके पास इसमें है, किसी में भी आप काम करें, चाहे कमोडिटी में काम करें, करेंसी पेयर में काम करें, ये बहुत अच्छा आपके पास एक बाय का सिंबल हो सकता है, यहां पर आप अपना बाय डाल के जा सकते हैं। चाहे तो इसके अंदर ट्रेंड लाइन का यूज कर लें, फिबोनैकी का यूज कर लें, या फिर आप अपनी क्या बोलते हैं, फिबोनैकी फैन का भी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी आप जहां पर मर्जी इसको यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ अभी, मेरी तबियत अभी सही नहीं है, लेकिन ये वेबिनार लेना था मैंने, तो इसलिए लिया है, जिससे आप लोगों को आराम से कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ऐसे रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ और आप आराम से मेरे से क्वेश्चन पूछ। देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म, कितना लॉन्ग टर्म रखना है, ये बहुत जरूरी है समझो चेतन जी। समझो 1 साल के लिए रखना है सर जी। अगर 1 साल के लिए रखना है तो कम से कम 1 दिन का टाइम फ्रेम रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। देखिए अगर मैंने इशिमोगो क्लाउड पर बात की, ये देखिए मैंने इशिमोगो क्लाउड पर बात की, मैं इस समय सारी लाइन हटा देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो आपके पास काम का रहेगा। ये देखिए मैंने लाइन हटा दी है पूरी, आप जरा देखिए कि आपको अगर मैं 1 दिन का रखता हूँ, ठीक है, कोई भी बाय सेल में देख लेता हूँ यहाँ से, अच्छा सा बाय सेल, सपोज यही बाय सेल है, कोई देखता हूँ बड़ा सा बाय सेल, यही है बाय सेल, राइट। ये देखिए कब आया, कब, कितने टाइम तक चला, ये इसका जो स्पैन था पूरा, कहां से कहां तक था, इसका स्पैन यहां से लेके और यहां तक था, राइट, क्लियर है। अब इसका कितना, आप देखिए अराउंड मार्च से शुरू हुआ, अप्रैल लगा दीजिए, अप्रैल से शुरू हुआ ये, अप्रैल 2009 से, और ये कहां तक चला है, ये 10 तक, क्लियर है, मतलब अराउंड अक्टूबर अक्टूबर 2010 तक, मतलब लगभग 1.5 साल चला ही चला जी। और अगर आपने इसे, अगर आप इसे 1 दिन में या 1 घंटे में रखा होता, सॉरी, तो आपको शायद 1 या 2 महीने रख पाते इसे, लेकिन चूंकि 1 डे रखा है तो 1 डे में एक अच्छा स्पेंड, मतलब 1.5 साल के लिए आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके गया है। यहां से चेक कीजिए, आपने ₹50 में इसे खरीदा, जो भी स्टॉक था ₹50 से ये 211 हो गया,
बैंक बड़ौदा, राइट। कोई सा भी स्टॉक आप उठा के देख ले, सपोज मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूँ, नीचे गिर रहा है ये, ठीक है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं, ये देखिए एक्सिस बैंक है। मैं छोटा से छोटा टाइम फ्रेम भी लेता हूँ, चलिए यहाँ से शुरू कीजिए। ये कितना है आपका, अक्टूबर, अक्टूबर 2020 जी, क्लियर है। अक्टूबर 2020 से आपने शुरू किया, कब ये बाहर आया बताए? ये आया है मार्च में 2021। जी, तो मतलब अराउंड आपका 7-8 मंथ्स आ गया। 7-8 मंथ में आपको अच्छा रिटर्न देके चला जाता है। तो इसका मतलब अगर लॉन्ग टर्म करना है तो आप वन डे को प्रिफर कर दें। लेकिन अगर किसी जगह पर उसका जो कंफर्मेशन है वो लेते सुनो। हाँ जी, यस। अब अगर मैं इसी जगह पर बात करता हूँ, देखो मैं इसी जगह पर बात करता हूँ 1 आवर की, एक घंटा मेरे को कम से कितने दिन यूज करना पड़ेगा? देखिए अक्टूबर शुरू किया मैंने, ये अक्टूबर शुरू किया और कब बाहर आ गया? यहाँ पर बाहर आ गया मतलब नवंबर में, कितने महीने? 2 महीने। जी, मतलब अगर मैं 1 घंटे के लिए स्टॉक को रखता हूँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो 2 महीने रख सकता हूँ, राइट। जी, तो इसका मतलब अगर मेरे को 1-2 महीने के लिए रखने हैं तो मैं इंट्राडे, सॉरी 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, और अगर मेरे को 1.5 साल के लिए रखने हैं तो मैं रखूंगा उसको 1 डे पर। लेकिन अगर मेरे को 5-10 साल के लिए रखना है तो उस केस में मेरे को 1 मंथ या 1 वीक जाना पड़ेगा, क्लियर है। जी, मैं जी, आपको 1 वीक दिखाता हूँ। ये देखिए 1 वीक है, 1 वीक में जब स्टॉक बाहर आया, कब आया बताए? 2020 में, क्लियर है, नवम्बर 2020 और अभी चल रहा है राइट। तो देखिए पूरा 1 साल हो चुका है और मार्केट अभी ऊपर ही है, राइट। हाँ, तो ये डिपेंड है, आप कैसे भी उसको लेके जा सकते हैं, वो मर्जी आपकी। बर्थडे में करिए, बर्थडे में करिए। ट्रेनर जब लिखते हैं समझो तो उसमें उसमें आप डेटा लगाइए, अगर आपको साल भर के लिए रखते हैं तो डेटा लगाइए, अच्छा ओके, है ना। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को 1-2 महीने रखने हैं तो बना कर लगा दीजिए। जी सर। या और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज। थैंक यू सर। ओके, माय नेम प्रदीप जायसवाल फ्रॉम, हाँ जी प्रदीप जी, माय क्वेश्चन इज कि हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट किस मिनट पे लगाए, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे? नहीं, देखिए अच्छा, एक प्रदीप जी मैं कहीं छोटी सी बात बताएं, माइक को 1 मिनट बंद कर ले, बाकी सब लोग माइक को बंद कर ले, अपना अपना माइक तो सुन पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है तो अगर माइक को थोड़ा बंद रखेंगे तो थोड़ा और आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो देखिए प्रदीप जी मेरी बात सुने कि आपको ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कितने पॉइंट लेना चाहते हैं। एक बात ध्यान से सुने मेरी, अगर मैं 5 मिनट को यूज करता हूं, अगर मैं 5 मिनट को यूज करता हूं तो मैं अगर नॉर्मल स्टॉक में बात करता हूं तो मुश्किल से 4 या 5 पॉइंट में लेने की कोशिश करूंगा, राइट। राइट, मुश्किल से 4 पॉइंट। अगर मैं 15 मिनट करता हूँ तो मुश्किल से 6-7 पॉइंट या 10 पॉइंट ही मैं लेने की कोशिश करूंगा, राइट। गॉट इट। अगर मैं उसी जगह पर 1 आवर करता हूँ तो 1 आवर में मैं कम से कम 20 पॉइंट के लिए कोशिश कर सकता हूँ, राइट राइट। लेकिन अगर उसी जगह पर मैं 1 डे की बात करता हूँ तो कम से कम मैं मतलब 50 से 100 पॉइंट नॉर्मल बात कर सकता हूँ। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ जी, राइट। अगर मेरा टाइम फ्रेम सही है, लेकिन आप मेरे को ये बताएं कि आप क्या सारी जिंदगी 4 या 5 पॉइंट पे ट्रेड करते रहेंगे? क्वेश्चन बहुत बड़ा जी। नहीं सर, नहीं पॉसिबल। अगर आप एक बड़े ट्रेडर बन जाएंगे तो भी क्या 4-5 पॉइंट पे करेंगे? इसका मतलब आपका जो मोटो है 4-5 पॉइंट का नहीं है, राइट। आपका मोटो बड़ा ट्रेडर बनने का है जी, क्लियर है। तो बड़े ट्रेडर के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो 5 मिनट छोड़ दें। दूसरी बात, 5 मिनट में लैगिंग बहुत सारी होती है, 5 मिनट में अप्स एंड डाउन बहुत सारे होते हैं, वो आपको एक अच्छी इमेज नहीं देता है स्टॉक की कभी भी, ना ही 15 मिनट देता है, ना ही 5 मिनट देता है। कौन आपको सबसे ज्यादा अच्छा टाइम फ्रेम देगा? कम से कम 1 आवर, क्लियर है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं इसकी, क्योंकि थोड़ा टाइम है। आप देखिए ये ध्यान से सुने मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि आपको 1 डे ये बता रही थी कैंडल की रेड है, क्लियर है जी।
चेक करें, बड़े आराम से अच्छी सी बात बता रहा हूँ, आपके काम की बात रहेगी। ठीक है प्रदीप जी, ये देखिए ये कैंडल थी और ये कैंडल यहां से शुरू हुई और यहां खत्म होगी, राइट। बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बता रहा था, एक दिन कि गिर रही है कैंडल, राइट, सैनी की बता रही थी। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम में वन आवर में क्या करना चाहिए था, नेचुरली आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे, क्लियर, आपको सेलिंग करनी चाहिए थी। अब केस क्या हो गया कि पांच मिनट में आपको दस बार ऊपर नीचे मार्केट मूव करेगा, तो अगर आप दस मार्केट में पांच मिनट की सोचते तो शायद दस बार आप बाय करके अपना स्टॉप लॉस हिट करा चुके होते। गॉट इट, सर, यही हो रहा है अभी तो। गलती है, हमारी गलती है। देखिए इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पूरे सेशन के अंदर उस समय क्या हुआ होगा, ये गलती से भी मत करें। देखिए वन आवर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा सेशन था ना उस टाइम का, है क्या करना चाहिए था। देखिए यहां पर आपको ये पूरा डाउन, अगला डाउन, अगला डाउन, अगला डाउन, यहां पर अगर मैं पांच मिनट में ले जाऊं तो देखिए क्या इशू होंगे। पांच मिनट में देखिए, ये देखिए क्या दिखा आपको, हो सकता है यहां पर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा होता, हो सकता है कि शायद कोई सपोर्ट मिल रहा होता यहां पर आप बाय कर लेते, राइट जी। आप सोचते कि भाई शायद यहां कोई, मैं लगा लेता हूं शायद मेरे को कोई यहां पर पिवट मिल जाता, ये देखिए पिवट मिल गया ना जी, राइट। मेरे को सपोज कोई यहां पर पिवट मिल रहा होता, मैं सोचता यहां से तो मार्केट ऊपर जाएगा, बाय कर लो, और आप बाय कर लेते और थोड़ी देर बाद ही मार्केट फिर से नीचे गिर गया। लेकिन कौन मना कर रहा था आपको इसके लिए, बताए, अगर आपके चार्ट वन डे आपको मना कर रहा था ना, एक घंटा भी मना कर रहा था ना, ये देखिए एक घंटा भी आपको मना कर रहा था कि मत जाओ बाय में, एक दिन भी आपको बोल रहा था मत जाओ, लेकिन आपने नहीं सुनी, आपने क्या बोला, आपने बोला नहीं मैं तो बाय करके रखूंगा। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर छोटी चीज चेक कीजिए, अब आपको कम से कम एक घंटा बाय बोल रहा है ना, रेड बॉस मॉर्निंग स्टार जैसा बना रहा है, बता रहे ना, मॉर्निंग स्टार भी बोल रहा है, बाय भी बोल रहा है। लेकिन अब केस क्या, केस यहां पर क्या, क्या आपको वन डे बाय बोल रहा है, नहीं नहीं सर, तब तक आपकी बाय नहीं आएगी, ध्यान से सुने मेरी बात, तब तक आपकी बाय नहीं आएगी एक अच्छी, जब तक वन डे आपको बाय नहीं देगा। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो ये मैं थर्ड वाली कैंडल की बात करूं, एक दिन में जो ये विक बना है, जो नीचे से ऊपर गया है इतना, मैं चाहता हूं कि एक दिन में कवर कर लूं सर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर देखिए अलग अलग टेंडेंसी है कि अगर इसी को आप इन दोनों को मैचिंग कर ले, मतलब यहां पर क्या हुआ, एक दिन को और एक घंटे को अगर मैं मैच कर लू आपस में, तो मैं ये पूरा मूव ले सकता हूं। मेरी बात समझे नहीं समझे, देखिए अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये वन डे में विग बनाना शुरू किया होगा ना इसने, जी सर शुरू किया होगा। अब विग की आपकी बाइक कहां से होती है, बाइक समझे, आपकी बाइक ये पूरी कैंडल है यहां से लेके यहां तक की है, बायर का प्रेशर कहां से शुरू हो जाएगा, बायर का प्रेशर बताए कहां से शुरू होगा, बायर का प्रेशर यहां से शुरू नहीं होगा, बायर का प्रेशर इसके मिड पार्ट से शुरू होगा, क्लियर है, बीच से नहीं है। ये कैंडल क्यों बाय में नहीं गई, ऊपर वाली कैंडल क्यों बाय में नहीं गई, इसका बाइक प्रेशर कहां पर था, यहां था, जी राइट, मतलब अगर इतना खींच जाती तो शायद मैं यहां से बाय कर लेता, हो सकता था मेरा बाय, मना नहीं होता। ये कैंडल का बाइक प्रेशर यहां पर था, राइट जी। अब इस कैंडल का बाइक प्रेशर कहां पर था, अब ये बताए, सिंपल सा लॉजिक वहां पर भी आ गया, ये पूरी कैंडल का बाइक प्रेशर ऑलमोस्ट यहां पर था, राइट जी, जी सर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसमें बाय करना चाहता तो मैं इसके मिड पॉइंट से बाय कर सकता था, फॉर एग्जाम्पल यहां से, क्लियर, गॉट इट। अब यहां पर अगर मैं एक घंटे में जाना चाहता हूं तो आराम से आप एक घंटे में बाय यहां कर सकते थे, देखिए, राइट और नॉट, जी जी सर, राइट, बात समझ में आ गई। अब चाहे वो मॉर्निंग स्टार बनाए, इवनिंग स्टार बनाए, चाहे वो आपका बुलिश अरामी बनाए, कुछ भी बनाए, कप में हैंडल बनाए या कुछ भी हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना करे, आपके पास ये आराम से बाय हो जाएगी जी। और सर इनको कंक्लूजन है कि हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी एक घंटे और वन एक दिन की कैंडल प्रीफर करें, राइट सर? देखो सबसे हमारी हमारी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी गलती क्या है, हमारी इंडिया के अंदर है भेड़चाल, समझिए प्रदीप जी, हमारी इंडिया के अंदर है भेड़चाल,
और जो ट्रेनर्स ने बना के रख दिया, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स ने बना के रख दिया, हम उसको फॉलो करते हैं, राइट। राइट सर हमारा अपना इन्वेंशन क्या है, न्यूटन अगर सेब खा गया होता, जी राइट, न्यूटन ने सेब खा लिया होता तो लॉ थोड़ा बना सकते थे, राइट है। राइट सर राइट। इसका मतलब अगर कुछ नया करोगे तब तो, अगर आज मेरे को दुनिया जानती है, सुनिए, अगर मेरे को आज दुनिया जानती है तो क्यों जानती है, क्योंकि मैं नया करता हूं, मैं किसी का कॉपी नहीं करता, जो कुछ है सारा मेरा है, मैं अपने तरीके बनाता हूं, अपनी बाइक सेलिंग देता हूं, अपने स्टॉक का सिलेक्शन करता हूं, अपने तरीके से करता हूं, इसलिए दुनिया मेरे को जानती है, राइट। तो दुनिया आपको तब तो जानेगी जब आप कुछ अलग करोगे। आपने भी आरएसआई लगाए, मैंने भी आरएसआई लगाए, फर्क क्या हुआ, कुछ भी नहीं, जी राइट सर यार। जी सर तो कुछ तो अलग करेंगे तब तो दुनिया जानेगी। भाई लोग इशिमुकु पर काम नहीं करते, मैंने किया, समझिए, लोग नहीं करते ना, क्यों, बहुत क्योंकि कम, लेकिन आपका वीडियो देख के हम लोग चालू किया, और शुरू से मतलब मैं भी आए मार्केट में 6 मंथ हुआ, मैं और मेरी वाइफ इशिमुकु क्लाउड पे सिर्फ काम करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, मतलब ठीक है थोड़ा सा लेट हमें प्रॉफिट आता है, लेकिन एक प्रॉफिट जेन्युइन प्रॉफिट होता है सर वो, कि मतलब एक बार कन्वर्जन लाइन के नीचे आए तो हम निकल गए, मतलब उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है कि हम लगा के भी छोड़ दिए, देखे 1 घंटे में या 1 दिन में, जब तक नहीं आ रहा है सर हम डेली नहीं करते, और आ गया तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। यस। देखिए पता है क्या है, आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं सारे ट्रेडर अपने अपने पैसे कमाएं, मैं उनमें से कोई पैसा लेने वाला नहीं हूं, मैं किसी का कोई पैसा लेता नहीं, मेरे पास अपना पैसा बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे ट्रेडर अपना अपना पैसा कमाएं, राइट। अब पैसा कमाएंगे तो अच्छा ही रहेगा ना भाई, जी किसी का घर चलेगा, किसी का घर अच्छा होगा, खुशहाली आएगी घर के अंदर, पैसे रहेंगे तो पैसे, पैसा सब बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ तो है, क्यों। राइट सर राइट आप सर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेरी बात सुने और शायद बुरी लगे आपको, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाके आप सबसे पहले अपनी पॉकेट चेक करते हैं, राइट, या बुरा मत मानिएगा प्लीज, नहीं राइट सर राइट ठीक है। एब्सोल्युटली आपको अगर आपकी वाइफ बच्चे बोले कि चलिए आज घूमने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, बाहर खाएंगे, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी पॉकेट चेक करते हैं, आज मेरा बजट है भी या नहीं है, जी 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 सर राइट। उसके बाद ही आप जाते हैं और उतना ही खाना खाते हैं, उतना ही हिसाब बनाते हैं जितने का आपके पास बजट है, राइट और रॉन्ग। जी सर राइट मजा सर कब है, मजा कब है कि आप जब चले तो आपको ये ना देखना पड़े कि मेरा बजट कितना है, राइट और रॉन्ग। राइट सर जब आप घर से निकले और किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाए तो आपको ये ना देखना पड़े कि मेरा बजट कितना है, मेरा बिल कितने का आएगा, और मेरी जेब में उतने पैसे हैं भी या नहीं है, ये क्वेश्चन ही ना आए, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंसी। बनाओ। और सबसे बड़ी बात क्या भाई, अच्छा ट्रेडर क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है आज मैं रेस्टोरेंट चला गया और रेस्टोरेंट जाके मेरा 5,000 का बिल आ गया, फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा ट्रेडर क्या है, उसे पता है अगले दिन मैं ट्रेडिंग से कोई बात नहीं कमा लूंगा, बच्चों को ऊपर जाने देते हैं, राइट, घर वाले तो खुश है, बच्चे खुश है, हीरो 5,000 रुपए मेरे गए, कोई बात नहीं, सब खुश है, अगले दिन में ट्रेनिंग से 2 दिन में अगले कमा लूंगा, 2,500 2,500 करके ही कमा लूंगा, राइट और नो, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंसी। राइट तो मैं चाहता हूं हर एक ट्रेडर के साथ में ये चीज आए, हर एक ट्रेडर इंडिपेंडेंट हो, इंडिया का सारे ट्रेडर ट्रेनिंग करते हो, मजा आएगा। मेरे को तो कोई जानता नहीं है, मेरे को तो शक्ल भी नहीं जानते मेरी तो लोग, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, इसीलिए मैं लोगों को खूब ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, खूब जम के ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। गुड इवनिंग वीरे जी, अमित है। हाँ जी अमित जी, हाउ आर यू? वीरे जी थैंक यू सो मच फॉर द नाइस सेशन एंड वन थिंग यू हैव गिवन टू अस दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस विद योर ट्रेडिंग लर्निंग ना टू मच कॉन्फिडेंस केम टू अस ओके आई विश यू फॉर योर हेल्थ एंड इट्स अ फेस्टिवल सीजन इज देयर सो आई विश टू एवरीबॉडी फॉर द फेस्टिवल सीजन। या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अमित जी, थैंक्स अ लॉट। आप जैसे सब लोग साथ में रहेंगे तो देखो मेरा भी तो मॉरल बढ़ता है भाई। श्योर श्योर सर, माय क्वेश्चन वाज देयर, माय क्वेश्चन इज सर एक्चुअली यू नो लॉट ऑफ स्टॉक्स आर देयर, हाउ आई हैव टू सिलेक्ट अ गुड स्टॉक फॉर द नेक्स्ट डे ट्रेडिंग और फॉर द लॉन्ग टर्म? देखो आप इसमें एक काम करें, इसको एक काम करें, आप इसको ना कन्वर्जन लाइन बेस पर लेना शुरू कर दें। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका स्टॉक है, सॉरी ये आपका क्लाउड है, राइट। मेरे को ऐसे स्टॉक प्रीफर करेंगे, ध्यान से सुने,
मेरे को ऐसे सॉफ्ट प्रीफर करेंगे, ये मेरा क्लाउड है, देखिए मैं बना देता हूँ, मैं फिगर की तरह से बताता हूँ। आपके पास एक कन्वर्जन लाइन, जिस भी स्टॉक की कन्वर्जन लाइन बाहर निकलने वाली है, राइट, जिस भी स्टॉक की, आपको मैंने अभी पहले भी दिखा दिया कि जब तक कन्वर्जन लाइन बाहर नहीं निकलेगी तब तक बाय नहीं आएगी, राइट अभी जी, तब तक नहीं आएगी ना। इसका मतलब जिसकी कन्वर्जन लाइन बाहर निकलने वाली है वो मेरे लिए काम का स्टॉक हो सकता है। मैं दिखा देता हूँ एक मिनट के लिए आपको, इसी चीज को दिखा देता हूँ कि मेरी कन्वर्जन लाइन, मैंने बोला इशिमोकु कहाँ गया, इशिमोकु कन्वर्जन लाइन, इशिमोकु कन्वर्जन लाइन इज लेस देन इशिमोकु क्लाउड बॉटम, इशिमोकु क्लाउड बॉटम इसको करें, इशिमोकु कन्वर्जन लाइन इज ग्रेटर देन इशिमोकु क्लाउड टॉप, इसके बीच में होनी चाहिए। अब रन करें इसको और रन करके देखें कि आपके पास कितने स्टॉक ऐसे मिलते हैं। ये देखिए एक भी स्टॉक यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब मैं इसको फ्यूचर में ले जाता हूँ क्योंकि अभी मार्केट बेयरिश हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है मेरे को। मैं इसको एक घंटे में लेके जाता हूँ। माइक को बंद कर ले, एक मिनट माइक को प्लीज बंद कर ले। तो यस, अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं 1 आवर में लेके जाता हूँ। 1 आवर में देखते हैं कितने स्टॉक ऐसी जगह पर आ रहे हैं, तो आप उसमें इंट्राडे कर सकते हैं अगले दिन के लिए। यस, ये मैंने कुछ गड़बड़ करी है। 1 आवर इशिमोकु कन्वर्जन लाइन इज लेस देन इशिमोकु क्लाउड टॉप, ठीक है। 1 आवर कन्वर्जन लाइन इज ग्रेटर देन इशिमोकु क्लाउड बॉटम, ये मैंने गलती करी थी और मैं इसको दोबारा से 1 डे में यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये 1 आवर की जगह 1 डे, मैंने अपनी तरफ से स्किनर बनाने में गलती करी थी और मैंने इसको रन किया। तो देखिए रन करने में इतने सारे स्टॉक आ रहे हैं मेरे पास, और मैं इसको फ्यूचर की जगह निफ्टी 50 लगा देता हूँ तो भी आप समझिए निफ्टी 50 में भी इतने सारे स्टॉक है जो कि मेरे लिए एक अच्छा बाय साबित होंगे आने वाले टाइम में, कुछ दिन में एक बहुत अच्छा बाय साबित होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, चेक कीजिए, ये जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर। पहले मैं आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो दिखाता हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील पे पहले बात करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील मैंने किया और यहाँ पर जरा चेक कीजिए, मैं 1 डे का टाइम फ्रेम देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको इशिमोकु क्लाउड दोबारा से लगा दिया। चेक करें आपके सही जगह कौन सी है, जरा इसको समझे, सही जगह कौन सी है। सही जगह है जब आपकी जो कन्वर्जन लाइन है ये इसके ऊपर यहाँ कहीं बैठी हो, राइट और नॉन, क्यों चेतन जी, राइट यहां होनी चाहिए कन्वर्जन लाइन, यहां नहीं, मेरे को यहां पर नहीं चाहिए, राइट समझे। बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया, मैं देखता हूँ शायद कोई मिल जाए मेरे को, फिर मैं इसका आपको वो भी बनाना बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये भी मेरी अच्छी जगह है, ठीक है, नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया, फिर हम इसको उससे बना के देखेंगे, स्कीनर पे डाल के देखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, टाटा कंज्यूमेबल, एचसीएल, एसबीआई। अब देखते हैं टाटा कंज्यूमेबल पे, टाटा कंज्यूमेबल, ये देखिए ये भी सही नहीं है। एचडीएफसी लाइफ, क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है। कौन सा था, एसबीआई लाइफ और एचसीएल टेक, मैंने देखा एचसीएल टेक, ध्यान से सुनते रहिए, ये देखिए ये भी सही नहीं है, मतलब मेरे कोई स्टॉक अभी सही निकल के नहीं आ रहे। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखिए अब मैंने क्या चेंज किया, मेरी कन्वर्जन लाइन, ध्यान से सुनते रहे, मेरी जो कन्वर्जन लाइन है इशिमोकु की कन्वर्जन लाइन है, अब मैं इसमें छोटा सा एक वो डाल रहा हूं, ठीक है, और क्या डाल रहा हूं, इशिमोकु की कन्वर्जन लाइन ग्रेटर देन होनी चाहिए इशिमोकु क्लाउड टॉप, ध्यान से सुनते रहे इसको, इशिमोकु क्लाउड टॉप -5, राइट। अब मैंने ये डाल दिया, अब देखिए हो सकता है मेरे को एक भी स्टॉक ना मिले यहां पर, यहां मिल रहा है एसबीआई लाइफ। अब देखते हैं एसबीआई लाइफ आपके पास क्या बोल रहा है, जरा इसको एसबीआई लाइफ पे चेक करते हैं। एसबीआई लाइफ को मैं 1 डे पर चेक करता हूं, 1 डे पर देखिए मेरे को क्या दिखाई पड़ रहा है, जरा बताए, यस क्या दिखाई पड़ रहा है इस समय, आपकी जो कन्वर्जन लाइन है देखिए क्लाउड के पास में, राइट, लेकिन यह गलती क्या है, यस कोई भी बताए गलती क्या है, आपकी बेस लाइन ऊपर है, कन्वर्जन लाइन नीचे है, राइट, लाइन ऊपर है, इसका मतलब मैं एक और यहां पर कंडीशन डालता हूं, और वो कंडीशन क्या बोली मैंने, इशिमोकु
इशिमोकु की बेस लाइन्स, इशिमोकु की कन्वर्जन लाइन, सॉरी इशिमोकु की जो कन्वर्जन लाइन है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए इशिमोकु की बेस लाइन से। एक क्या होनी चाहिए, इशिमोकु की जो कन्वर्जन लाइन है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, इशिमोकु की बेस लाइन से, इशिमोकु की बेस लाइन। ये मेरे पास एक कब कंडीशन बन गई, हो सकता है एक भी स्टॉक ना आए, देखिए मेरे पास नहीं है, इसमें कोई स्टॉक मेरे को नहीं मिल रहा है। फ्यूचर में जाके रन करके देखिए, फ्यूचर में भी अब ये रनिंग में नहीं दिखाएगा, ये ऐसे हैंग कर जाता है चार्टिंग, अब मेरे को देगा नहीं। आप इसको नोट करके रख ले, आप इसको नोट करके रख ले, ये आपको अब कौन से स्टॉक देगा, अभी यहां पर रुक गया है, तो अब आपको ये कौन से स्टॉक देगा, अब आपको वो स्टॉक देगा जो कि कन्वर्जन लाइन के, कन्वर्जन लाइन जो है वो आपके क्लाउड के टॉप के आसपास होंगे। अब आपको क्या चेक करना है, आपको केवल ये चेक करना है कि ये लाइन जैसे ही बाहर निकलेगी आपकी कैंडल इसके ऊपर हो। मैं दिखा देता हूं मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, यहां पर चेक करें पीछे से कहीं पर भी, ये देखिए यहां पर मैं कैसे स्टॉक पे बात कर रहा हूं आपसे, यहां पर चेक कर ले मैं कैसे स्टॉक पे आपसे बात कर रहा हूं कि जैसे ही कन्वर्जन लाइन बाहर निकलती है, जैसे ही कन्वर्जन लाइन बाहर निकलेगी मैं यहां के स्टॉक ढूंढ रहा हूं इस जगह के, और जैसे ही कन्वर्जन लाइन बाहर निकलेगी अगर स्टॉक ऊपर है तो आप बाय कर सकते हैं, क्लियर है, ये आपके कल के लिए बहुत अच्छे स्टॉक होंगे, राइट है। चलिए और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं, ये मैंने स्कीनर बना दिया है, ये स्कीनर मैंने बना दिया है, आप चाहो तो इसे नोट करके रख सकते हो, ठीक है। हाँ जी प्रदीप जी, आप सर आप टेलीग्राम पे भी हैं क्या? नहीं मैं टेलीग्राम चैनल में यूज, देखिए टेलीग्राम पे असल में क्या है, ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो है ये सब बाय सेल देने के लिए यूज करते हैं, राइट, टेलीग्राम जी जी, उसमें मैं बाय सेल देता ही नहीं किसी को भी सर, जैसे टेलीग्राम पे आपके व्यू आते रहेंगे तो हम लोगों को भी क्या है डेली बेसिस कुछ न कुछ मतलब जस्ट फॉर नॉलेज, नॉलेज की तरह मिलता रहेगा हम लोगों को कि अच्छा नहीं व्यू अलग चीज है, व्यू डाल सकते हैं, व्यू डाल सकते हैं आप। अमित जी बताइए आज तक मैंने कभी किसी को बाय सेल दिया आज तक भी? नो सर, नो नॉट एट ऑल, बट योर डायरेक्शन एंड द सजेशन इज परफेक्ट दैट वी नो वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। हाँ आज तक हुआ ही नहीं सर जैसे मैंने किसी को बाय सेल दिया, और सबने अपने प्रॉफिट किए, सब अपने अपने प्रॉफिट करते हैं फॉरेक्स में हो कहीं पर भी हो, लेकिन मैं किसी को एक बाय सेल नहीं देता, ये भी तो अजीब बात है। जब आपको अपने आप ही आ गया, अपने आप ही खुद आएगा, तो देखिए आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तो फिर आराम से अपने बाय सेल ले पाएंगे ना, मेरे को देने की क्या जरूरत है, राइट। और बताइए कोई क्वेश्चन पूछना हो तो, अगर नहीं तो मैं सेशन को रोकता हूँ फिर। हेलो या सर निजाम दिस साइड, हाँ जी प्लीज जी, मुझे ये पूछना था रिकॉर्डेड अगर सेशन है तो उसका लिंक एक्सेस हो सकता है क्या, ताकि हाँ कोई नहीं, देखिए मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है, दो तरीके हैं, या तो मैं आपको सबको मेल भेजूं, एक तरीका होता है मैं मेल भेजूं, और दूसरा तरीका ये होता है मैं यूट्यूब पर डाल दूं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, राइट, आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। थैंक यू, कई लोग मुझे जानते नहीं है, देखिए कई लोग मेरे को जानते नहीं है, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम वीरेश्वर वशिष्ठ है, मैंने पढ़ाई बहुत करी, ठीक है, पीएचडी भी किया, एमफिल भी किया, एमटेक भी किया, बहुत पढ़ाई करी, लेकिन इस मार्केट के अंदर पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इस मार्केट के अंदर जो हम पढ़ के आते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं, राइट। इस मार्केट के अंदर क्या चाहिए, इस मार्केट के अंदर चाहिए एक सेंस, और अगर आपके अंदर वो सेंस है तो आपको किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, किसी भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी करके आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन बस आपको वो सेंस चाहिए। तो पढ़ाई मैंने भी अपनी पीएचडी किनारे रख दी है, मैंने अपनी एमफिल एमटेक सब किनारे रख दी है, मैं केवल पढ़ाई करता हूं। मैं इस समय उत्तराखंड, इंडिया के अंदर उत्तराखंड एक स्टेट है, उसके अंदर एक छोटा सा गांव है हर्रा वाला, मैं वहां से बिलोंग करता हूं, माय फादर इज अ साइंटिस्ट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में साइंटिस्ट है, तो मैं ट्रेड करता हूं और मैं कोशिश में हूं कि एक अच्छे ट्रेडर्स बना सकूं, केवल मेरा ये मकसद है। पैसा तो मेरा अपना पड़ा है तो मेरे को ऐसे पैसे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ट्रेडिंग लोगों को सिखाऊं, ट्रेडिंग के लिए अवेयर करूं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखिए एक बच्चा छोटा सा
प्लीज मेरी बात सुने, और ये बहुत जरूरी काम की बात है। हमारे पूरे वर्ल्ड में ये इशू है, खासकर इंडिया के अंदर। हमारे जो बच्चे हैं वो आपके पास क्या करते हैं, वो पहले टेंथ करेंगे, फिर ट्वेल्थ करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो हो सकता है उसके बाद पीएचडी भी करें, इतना सब कुछ एमबीए करेंगे, बाकी सब करेंगे, और सब करने के बाद तब एक जॉब ढूंढते हैं, राइट और रॉन्ग? कोरोना ने हमें ये सिखाया, कोरोना ने, जो कोरोना आया है, इसने हमें ये सिखाया कि आपके पास कितने की भी जॉब है, चाहे आपके पास 10 लाख 15 लाख की जॉब है, कितने की भी जॉब है, जब वो जॉब चली जाती है, जब वो जॉब चली जाती है, बुरा मत मानिएगा प्लीज मेरी बात का, कि आपके पास अगर वो जॉब चली गई या किसी रीजन से रुक गई, तो क्या आपके पास कोई स्किल है? आपके पास स्किल क्या है? आपकी एजुकेशन आपकी स्किल नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि आपकी जो एजुकेशन है, आपने कितनी भी एजुकेशन ली, वो आपकी स्किल नहीं है। आपकी स्किल वो है कि आप बिल्कुल खाली हो जाए तो वो स्किल आप यूज कर सको, वो है स्किल। आज आप अगर नौकरी से हट जाओ, नहीं हो नौकरी आपके पास, तो आप उस स्किल को यूज कर सको, राइट? एक आदमी पेंटिंग बनाता है, वो स्किल है, राइट और रॉन्ग? एक आदमी मिट्टी के घड़े बनाता है, वो उसकी स्किल है, वो स्किल होती है, हमारी एजुकेशन स्किल नहीं है। तो हमें एजुकेशन को साइड में रख के अपनी स्किल को डेवलप करना है। जैसे ये आपकी एजुकेशन नहीं है, ये स्किल है ट्रेडिंग मार्केट पूरा, तो इस स्किल को डेवलप करेंगे तो आपको, ये सोचिए, अगर टेंथ का बच्चा अपनी ट्रेडिंग में आ जाता है, इंडिया के अंदर टेंथ का बच्चा अगर ट्रेडिंग करेगा, तो वो जब अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो ट्रेडिंग में कितना अच्छा बन चुका होगा, राइट? अब इंडिया से बाहर के बच्चे बच्चे ट्रेडिंग करते हैं, और इंडिया में पीएचडी तक बच्चा कुछ करने की नहीं सोचता है, पीएचडी तक पढ़ रहा होता है, उसके बाद वो आपने 10-15-20 हजार 25 हजार की नौकरी ढूंढता है, उससे अच्छा वो टेंथ में अपनी ट्रेडिंग को सीख लेना। और हमारी दिक्कत यह है कि इंडियन गवर्नमेंट में इसको जुआ बना रखा है, ट्रेडिंग को जुआ बना के बैठे हैं, गैम्बलिंग बना के बैठे हैं। अगर आप एक बच्चे को 7th-8th class से ट्रेडिंग का पैटर्न दे दो, उसकी क्लास के अंदर डाल दो, तो 12th तक वो सही हो जाए, और अगर 12th तक वो सही हो जाए तो ग्रेजुएशन में अपने पैसे खुद कमाएगा, और अगर ग्रेजुएशन में अपने पैसे खुद कमाएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो अच्छा एक ट्रेडर बन जाएगा, उसको दुनिया में जॉब करने की जरूरत नहीं है, राइट? अब लेकिन हमारा शुरू का सिस्टम ही खराब है, तो आगे तक तो पूरे खराब निकलते हैं, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जनरेट हो जाती है। तो क्यों नहीं हम इसको शुरू करें? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि 10 लाख से कम शुरू हो जाता है, 4-5 लाख में शुरू हो जाएगा, बहुत कम बिजनेस होते हैं, और ये बिजनेस तो आपको 10-15 हजार से शुरू हो जाता है, इससे अच्छा बिजनेस क्या है? ना किसी चीज की जरूरत है, ना कोई जगह की जरूरत है, ना लोग रखने, ना सामान रखना, कुछ नहीं रखना, इससे अच्छा बिजनेस क्या है, राइट? तो केवल अवेयरनेस है जो मैं जगाना चाह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, खाली इंडिया में नहीं, इंडिया तो खासकर मैं कर ही रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं अवेयरनेस जगाना चाह रहा हूँ, जिससे आप अपने लिए इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके, पैसा आपके पास खूब आए, जम के ट्रेडिंग कर सके, अपने इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सके आराम से, राइट? चलिए मैं रुकता हूँ क्लास पर, यहाँ पर दोबारा मिलते हैं हम लोग, फिर कभी नए सेशन के साथ में मिलेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल व्हाटएवर यू हैव